क्रम को हम आस्था चैनल पर प्रत्येक दिन 3 बजे से लेकर 6:15 बजे तक देखते रहेंगे, सीधे जुड़े रहेंगे। देश विदेश में सभी भक्त जो उस समय देख रहे हैं, वो सभी भक्त भागवत का परम रस, ब्रज का परम रस और भजनों का, त्रिवेणी संगम का हम सभी बोरीवली में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व शांति सेवा समिति मुंबई के द्वारा ये आनंद हम लेते रहेंगे। तो हम सभी इस समय पर जुड़े हुए हैं, हम भी भजन के साथ इस समय पर देख सकते हैं भागवत जी को उठाया जा रहा है, यजमान के हम सिर पर विराजमान करते हुए भागवत जी को, और हम इस संकीर्तन के साथ साथ हम भी यात्रा में राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे देख सकते हैं पूज्य महाराज श्री रथ पर विराजमान हो चुके हैं और कलश यात्रा की तैयारी, सभी माता बहन अपने सिर पर कलश रखकर इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए बड़ी दूर दूर से पहुंचे हैं। परम भाग्यशाली हैं वो माताएं बहन, वो भाई जो कलश यात्रा में पैदल चलकर इस महाकुंभ का प्रारंभकरण में भाग लेते हैं और भागवत जी को प्रणाम करते हुए प्रारंभ से ही अपनी हाजिरी इस कार्यक्रम और ऐसे महाकार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित होते हैं। हम भी प्रभु का नाम लेते इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाते हुए इस भागवत कथा से हम ज्ञान रूपी आनंद प्राप्त करने के लिए भागवत जी को बार बार प्रणाम करें और यही भागवत जी से मांगे कि हमें जिस तरह 3 वर्ष से हम ये भागवत अमृत वर्षा श्रवण कर रहे हैं, 4वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो इस बार भी हम ये पूरे ढंग से पूरे विधान से इस कथा का लाभ हमें मिले, हम भी यात्रा में सम्मिलित हों, आप भी संकीर्तन के साथ साथ इस यात्रा में सम्मिलित हों। राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे
श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे देख सकते हैं कलश यात्रा में प्रारंभ प्रातःकालीन की वेला में कितने अपार जनसमूह माता बहनों ने सम्मिलित होकर इस कथा का इस यात्रा का आनंद लिया और अपार जनसमूह यहां पर मुंबई में उमड़ा इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। और देखने को मिलता है कि हर वर्ष पूरे मुंबई महाराष्ट्र से ही मुंबई नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र से इस कथा का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग आकर आनंद लेते हैं। ये आनंद चलता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा आनंद हम आपको जो जो कार्यक्रम रहेंगे उसके दिलाते रहेंगे, लेकिन प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो आनंद है वो भागवत कथा का है। तो हम क्योंकि पूज्य महाराज श्री समय भी हो चुका है, अब सीधे चलते हैं कथा पंडाल की ओर। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री आ रहे हैं, आप सभी भक्त खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परम पूज्य ठाकुर महाराज की जय। परम पूज्य ठाकुर महाराज की जय। परम पूज्य ठाकुर महाराज की जय। प्रज्वलित जो है श्री महाराज जी के हाथों संपन्न होगा।
ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश प्राणस्य मुखादग्नि प्रजायत ओम मेदगुम अभी प्रजननम वे अस्तु सवीर गुम सर्वगण गुम स्वस्त आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य वय सनि अग्नि प्रजा बहुलां वे करो त्वन्नम पयोरे तो अस्मासु दत्तः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरत्ज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। संसार के पालनहार श्री मधुसूदन जी के चरणों में वंदन करते हुए परम श्रद्धेय शांति दूत श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में कोट कोट वंदन। यहाँ पधारे हुए सभी संत एवं ब्राह्मण देवतागण भजन मंडली एवं आस्था चैनल को बार बार प्रणाम। उपस्थित सभी जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। ये कथा निर्वाध रूप से निरंतर चलती रहे इसलिए हम सब ईश्वर से दो मिनट प्रार्थना करेंगे। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै विश्व शांति सेवा समिति मुंबई द्वारा आयोजित किया जा रहा है। समिति के सदस्यों के अथक प्रयास करने के बावजूद अगर कोई कमी कहीं रह गई हो तो उसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। यह आयोजन आप सबका है, इसमें आप सभी पूरा पूरा सहयोग करें ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मुंबई समित श्री महाराज जी के बहुत आभारी है जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर यहाँ पधारे। जैसा कि सुबह महाराज जी ने कहा कि मुंबई वालों के ऊपर हमारा प्रेम हमेशा 365 दिन इसका हूँ कि जिनके सहयोग से ये विशाल कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। मुंबई समित एवं आप सबका भी यह संकल्प था कि मुंबई समित 10 साल तक मुंबई में निरंतर कथा का आयोजन करती रहेगी। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग चाहते हैं हर वर्ष कथा यहां हो? सभी लोग चाहते हैं, तो ये संकल्प तभी पूरा होगा जब आप सबका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आप सब मुख्य जजमान सह जजमान उत्सव जजमान एवं संकल्प समिति के सदस्य बनकर अपना योगदान कर सकते हैं। विशेष जानकारी यहाँ पर जो कार्यालय बना हुआ वहां से लिया जा सकता है। श्री धाम वृंदावन में मंदिर एवं आश्रम का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आप सबसे ज्यादा से ज्यादा सहयोग की अपेक्षा है। जीवन की काली अंधेरी रात में प्रकाश की किरण लेकर ऐसे संत महात्मा एवं गुरु आते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश को बिखेरते हैं। मानव जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के जीवन अंधेरा होता है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, गूंगा इंसान कभी गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पांव कभी मंजिल पा नहीं सकता, गुरु से रोशनी मिल गई जिसको वो अंधेरे में ठोकर खा नहीं सकता।
मझधार में किनारा मिल गया, तूफान में भी सहारा मिल गया, गजब है गुरु के नाम का करिश्मा, अंधेरे में भी उजाला मिल गया। विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है, उसी तरह धर्म के लिए व्यय किया हुआ धन भी बढ़ता है। आप सभी अपने धर्म की, गौ माता की एवं संत की रक्षा करेंगे तभी देश की भी रक्षा हो पाएगी। आप सबके मध्य में श्री महाराज श्री विराजमान हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए वह कम है। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, उम्मीद के बंद लिफाफे में एक टिमटिमाता सपना है, बादल की पिचकारी लेकर चांद सितारे रंगना है, आसमान की इस किताब पर बस नाम श्री महाराज जी का लिखना है। हमने आप सबसे पिछले वर्ष एक निवेदन किया था संकल्प समिति सदस्य बनने का, जिसकी सेवा कम से कम 21 रुपया था, जो मात्र 6 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। 365 दिन में अगर हिसाब लगाएंगे तो 6 रुपया रोज का। और आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो भगवान के लिए 6 रुपया नहीं खर्च कर सके। इसलिए इस साल हमने एक फार्म कार्यालय में रखा है, आप सभी से यह विनम्र निवेदन है कि उस फार्म को भरो। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी जनसेवा का कार्यक्रम है जो निम्न प्रकार है। 27 एवं 28 दिसंबर को रक्तदान शिविर, 29 एवं 30 दिसंबर को नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण, 31 दिसंबर को जरूरतमंद वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं को चादर वितरण, और 1 जनवरी को महाप्रसाद रात्रि 8 बजे से। इन सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं समिति के सदस्यों का मनोबल बढ़ाएं। जो भी इस जनसेवा में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम कार्यालय में लिखा दें। मैं मुंबई महानगर पालिका को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सहयोग से हमको ये ग्राउंड मिला। मुंबई पुलिस हमेशा हमारे कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देती रही, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फायर ब्रिगेड वालों से भी हमें बहुत सहयोग मिला, उन्हें भी धन्यवाद। अब मैं श्री आचार्य श्री को आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्रीमती मंजू जी लोकेश अग्रवाल, कथा के सहयजमान श्रीमती भवरी देवी मदनलाल सिलाग, कथा एवं मंदिर के मुख्य यजमान श्रीमती कृष्णा प्रेम नारायण त्रिवेदी, सहयजमान श्रीमती सुनीता संतोष मिश्रा, और आज के उत्सव के यजमान श्रीमती अपर्णा राजकुमार पात्र, ये सभी मंच पर आके आरती करेंगे। मुंबई समिति के अध्यक्ष एम एल सोनी, हमारे मध्य मेरठ के श्री लोकेश जी नहीं आ सके हैं, उनके पुत्र और उनकी बहू यहां आके आरती करें। बोले भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम दधाने विशोदगते कारणमीश्वरम वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवः यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः शुचि। पुण्डरीकाक्षपनादो पुण्डरीकाक्षपनादो पुण्डरीकाक्षपनादो। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः।
या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृतयाम हृदये सबोद्धि श्रद्धा सताम कुलजन स्प्रवस्य लज्जा ताम तुहानताश्म परिपालय देवी विश्व श्री विष्णु प्रियाय नमः तुलसीयाय नमः सर्वोच्चरार्थे गंधा पुष्पाणिम समर्प्यामि ओम यम प्रभजन्तु मनवे तमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरहगा तर्याजुहाव पुत्री तितनमयतया तरभो विनेन्दो तम सर्वभूतेर्देव मुनिमानतोष्मि भगवती श्री सुखाय नमः व्यासरंदनाय नमः ज्ञानगम्याय नमः ध्यायान्ति ध्यानमक्षतम पुष्पम समर्प्यामि ओम अग्नस्वाम मंद्रस्वाम बृहस्पति त्वामोकदेशो मोराजा विद्वानक्षमादमुच्चतः गन्धाकपुष्पाणिं समर्प्यामि भगवते श्री सुखाय नमः व्यासरंदनाय नमः पुष्पमालां समर्प्यामि माल्यादीन सुगन्धिनि मालत्यादीन वैभ्रोमया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्राहितं महापुष्पमालां समर्प्यामि नैवेद्यं नैवेद्यान्त समर्प्यामि पुनर्जलाश्मन्यं समर्प्यामि श्रीपदभागवत पूजनम श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ध्यायन्ति ध्यानमक्षं पुष्पं समर्प्यामि कस्तूरी तिलकं लाट्पटले वक्षस्थले गोसुभं नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेषितौ भजयते गोपालचूडामणिं सर्वोच्चरार्थे गन्धाकपुष्पाणिं समर्प्यामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः माल्यादीन सुगन्धिनि मालत्यादीन वैभ्रो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिग्राहितं महा पुष्पमालां समर्प्यामि ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगों जेष्णोद्योः समवर्धत पद्भ्यां भूं दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकलपयन्नः नैवेद्यं नैवेद्यान्त समर्प्यामि पुनर्जलाश्मन्यं समर्प्यामि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वतपद्याधेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः नमस्करोमि अद व्यास भोजनम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्माद् बाहुरपरो हरे अभाल लोचन शंभोर भगवान बादरायणः ओम भद्रम गणे विजृणयामि देवा भद्रम भजेमाघ्यविलयद्राः स्थिरैरंगै दुष्टवांगं जस्तनो विरभ्यसेमहि देवहितं यदायुः ओम मेदगुं मावी प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थ हे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः ज्वालामालिनमरत्नैः सुरैः नमः सर्वोच्चरार्थे गन्धाकपुष्पाणिं समर्प्यामि सभी भक्त खड़े होकर के आरती के दर्शन करेंगे भाव के साथ प्रेम के साथ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ये मुक्ति पंथ ये पंथ
मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बना के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। शांति पृथ्वी, शांति राभा, शांति लोकदय, शांति वनस्पति, शांति पुरुषे देवा, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति, शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधे। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याजन, तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदया। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विश्व प्रचोदया। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया। सेवन्ते गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभि त्वं पूजयामि जगदी स्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिभागवत महापुराणे के सुखदेव जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए हुए सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। मुंबई में श्रीमद् भागवत कथा विश्व शांति सेवा समिति मुंबई प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी आप सभी के बीच में बोरीवली में जिस प्रकार हमने अनाउंसमेंट किया कि आने वाले 10 साल तक हमारी समिति के द्वारा आयोजन होगा, जिसमें कि चौथे साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद के पात्र हैं हमारी पूरी समिति जो इस कार्यक्रम में पूरे समय के साथ, क्योंकि एक धन ही से सारा काम नहीं होता, सभी कुछ उसके लिए लगाना अनिवार्य है, टाइम भी पूरा देना होता है। तो मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा हमारे विश्व शांति सेवा समिति और हृदय से धन्यवाद दूंगा सोनी परिवार को। जोरदार ताली बजाएंगे जिन्होंने पूरा समय हमारे एमएल सोनी जी की अध्यक्षता में, समिति भी पूरा समय देती है, लेकिन पूरा सोनी परिवार इस कार्यक्रम से बहुत 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 ढंग से जुड़ता है और पूरा प्रयास करके इस कार्यक्रम को आप सभी के बीच में एक अच्छे तरीके से रखता है कि किसी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी तकलीफ यहां पर ना हो। हमारे बीच में जो यजमान बने हैं, मैं निवेदन करूंगा पहले मैं, क्योंकि समय आज काफी कम है और कथा का भी आनंद हम सभी आज लेना चाहेंगे, प्रथम दिन है कथा का, तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले सभी को, जिन जिन को मैं मंच पर बुलाऊं वो मंच पर शीघ्रता से पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री एमएल सोनी जी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोरदार ताली बजाएंगे हमारे सोनी जी के लिए। श्री रामजीवनलाल सोनी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कुंडलिक राव नागरे जी, मुख्य संयोजक श्री हरिचंद मिश्रा जी, उपाध्यक्ष श्री अर्जुन सिलंग जी जिन्होंने पिछले वर्ष मुख्य यजमान बनकर बहुत प्यार से कार्यक्रम को बड़े ढंग से प्रभु चरणों में रखा था, एक बार ताली बजाएंगे हमारे अर्जुन जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बार भी वो इस कार्यक्रम से पूरे ढंग से, क्योंकि समिति में है, महासचिव विजय सिंह वर्मा जी, मनोज सोनी जी जो सचिव हैं और पूरा प्रचार मंत्री भी हैं और पूरा कार्य देखते हैं मनोज सोनी जी, जोरदार ताली बजाएंगे मनोज जी के लिए। कोषाध्यक्ष रूपेश सोनी जी शीघ्रता से आकर एक बार रूपेश जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी प्रेस प्रवक्ता हैं, श्री संतोष मिश्रा जी हमारे कथा के मुख्य यजमान, लोकेश जी जो मेरठ से हैं वो नहीं है तो उनकी जगह मैं निवेदन करूंगा अंकित अग्रवाल जी जो उनके सुपुत्र हैं, वो आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्रीमती कृष्णा श्री प्रेम नारायण त्रिवेदी जी, प्रेम नारायण जी आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संतोष मिश्रा जी, श्री मदन लाल सिलंग जी आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और जो रह गए हैं मैं निवेदन करूंगा श्री जगदीश हंसोरा जी पधारे और जो रह गए हैं मैं क्षमा चाहूंगा उनसे, क्योंकि समय अभाव के कारण हमारे बीच में फिल्म निर्माता कीर्ति आहूजा जी मौजूद हैं जो कि सभी जानते हैं उनको, और हमारे जो गोविंदा जी हैं उनके बड़े भाई भी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा मंच पर आकर पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कीर्ति आहूजा जी, और साथ में कांग्रेस नेता बाबा दुबे जी आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, बसंत सेठी जी, और
मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में अरविंद जोशी जी हैं जो पूरे महाराष्ट्र में और पूरा आस्था का कार्य आप संभालते हैं, और आस्था चैनल जो कि आपको घर बैठे अनेकों अनेक संतों की वाणी का आनंद दिलाता है, धन्यवाद के पात्र हैं पूरी आस्था की टीम। तो निवेदन करूंगा अरविंद जोशी जी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक आस्था के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। धन्यवाद है अरविंद जोशी जी, और धन्यवाद है श्री गणेश नायडू जी जो कि स्कोडा 18 से हैं, उनसे पुनः हृदय से धन्यवाद है श्री गणेश नायडू जी। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हम सभी इस समय पर यहाँ पर देख रहे हैं, और आप सभी, क्योंकि एक बार हमें लग रहा था कि ग्राउंड जिस प्रकार का था और इसको कहते हैं कि जंगल में मंगल करना, वो हमारी समिति ने किया है। आप यदि इसको एक महीने पहले इस ग्राउंड को देखते तो आप देख सकते थे कि क्या इसकी हालत थी। आप कभी कोई उम्मीद ही, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी जब देखने आया था कि यहाँ पर भी ये कथा हो सकती है, लेकिन इतना सुंदर इस ग्राउंड को बनाया है हमारी समिति ने, तो एक बार जोरदार पूरी समिति के लिए धन्यवाद देंगे। और लग रहा था कि पता नहीं आप सभी बोरीवली, क्योंकि कोरा केंद्र ग्राउंड आप सभी जानते हैं कि वहीं पर कथा होती है और वहीं पर होगी, लेकिन लग नहीं रहा था कि आप सभी यहाँ पर इतने आसानी से जल्दी पहुँचेंगे। लग रहा था कि कुछ साइड में पड़ रहा है, लेकिन कोरा केंद्र आप सभी के प्रेम को देखते हुए छोटा पड़ रहा था, इस कारण ये हमने इतना बड़ा पंडाल और इतनी बड़ी जगह ली। लेकिन लग रहा है कि आने वाले 2 दिन में ही ये भी जगह कम पड़ने वाली है आप सभी के प्रेम की वजह से। धन्यवाद है सभी को, और मैं कम शब्दों में आप सभी को बताना चाहूंगा जो इस समय आस्था चैनल देख रहे हैं कि आने वाले का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, और 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक लखनऊ में, पूरे यूपी की जो आप समझ सकते हैं राजधानी है यूपी की, और वहाँ पर लखनऊ में भागवत कथा का विशाल आयोजन होना है, और वहाँ पर वो कार्यक्रम आस्था चैनल पर सीधा प्रसारण भी होगा। तो भारी से भारी संख्या में वहाँ पर आप पहुँचकर इस कथा का लाभ ले सकते हैं, जो भी यूपी में भक्त समय हमें श्रवण कर रहे हैं। लखनऊ में भागवत कथा का विशाल आयोजन 23 जनवरी से 30 जनवरी तक रहेगा। प्रणव जी आए हुए हैं द्वारका से, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आकर पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके बाद परवणी में महाराष्ट्र में ही 3 जनवरी से भागवत कथा है, और मैं बताना चाहूंगा 13 जनवरी से लेकर 21 जनवरी राम कथा का आयोजन। काफी भक्त बोलते हैं महाराज जी ने के मुख से हमने राम कथा का कम श्रवण किया है, तो यदि आपको आनंद लेना है राम कथा का, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप आनंद ले सकते हैं राम कथा का 13 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये भाग राम कथा का आयोजन रहेगा, जो कि इलाहाबाद त्रिवेणी संगम के किनारे ये राम कथा का आयोजन रहेगा, जो कि अभी आप समझ सकते हैं वहां पर कुंभ का भी अवसर चल रहा है, और सभी लोग वहां पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। 14 जनवरी का वहां पर संगम भी, मकर संक्रांति का स्नान भी है। तो आपसे निवेदन करूंगा जो भी भक्त आना चाहें, आप हमारे दिल्ली कार्यालय में अपनी सेवा, अपना नाम लिखा कर पहुंच सकते हैं, और जो भक्त इस समय इलाहाबाद में देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें तो हमारे लोकल भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे दिल्ली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और वो कार्यक्रम आस्था चैनल पर नहीं, लेकिन आस्था चैनल के छोटे भाई आस्था भजन पर अवश्य आएगा, और क्योंकि हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक कथा का पूज्य महाराज जी की कथा का आप सभी रसपान कर सकें। उसके लिए यह है कि प्रत्येक लाइव टेलीकास्ट आस्था पर नहीं कर सकते, क्योंकि और भी कार्यक्रम रहते हैं, तो हमने आस्था भजन जो कि अभी बहुत शीघ्र बहुत तेजी से आप सभी के बीच में पहुँच रहा है, आस्था भजन पर आप सभी सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वो कार्यक्रम देख सकते हैं राम कथा का। और यदि आपके पास में आस्था भजन नहीं है तो अपने केबल ऑपरेटर को कहें, केबल ऑपरेटर से कह के बार बार फोन करके उसको आस्था भजन को लगवाएं, और प्रत्येक दिन पूज्य महाराज जी की अमृतवाणी का, प्रत्येक कथा का लाभ ले पाएं। आपसे निवेदन, सीधे चलते हैं, एक बार आप सभी प्रणाम करेंगे भागवत जी को, प्रणाम करके यही मांगेंगे कि आने वाले 8 दिन तक कोई भी विघ्न हमें न छुए, जिससे कि हमें कथा से वंचित होना पड़े। और सभी भक्त प्रेमी पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए व्यासाय विष्णु रूपाय
हम सभी प्रणाम करते हुए बोले भागवत महापुराणी की जय, बोले व्यासी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्मादेशयतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनवयो यत्रत्र सर्गो वर्षं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यमोक्षमूलं गुरुकृपा श्रीराधा मेरे स्वामिनि मे राधे तिरुदास जनम जनम मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्ण वंदे प्रजाप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्ण वंदे प्रदासुदम। उपस्थित सभी भक्त वृंद अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़कर विश्व शांति के लिए प्रेरित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने अपने आराध्य से एक ही प्रार्थना, पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। से संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। पाप
से हमें बचाए करके दया दयाल अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें उनके प्रांत में परम सदैव श्री गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें स्थान देवता वासुदेवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम ये भी अपना स्थान ग्रहण करें विद्युत समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारी हुई जनता जनार्दन और आस्था चैनल के माध्यम से प्रेमी जन सुन रहे हैं सभी प्रेमियों को सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुगपानी। तो आइए दो मिनट राधा नाम गुनगुनान करेंगे उसके बाद हम और आप सभी इस प्रथम दिवस के भक्ति रस के इस भागवत में आनंद लेंगे और भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे दुनिया को तारा है अब की बार नंबर हमारा है, है? सबको तार दिया है अब हमारा भी नंबर आना चाहिए ना। तो आइए दो मिनट मेरे साथ मिलकर प्रेम से देखो भाई कलयुग में आसानी से तारे भी जा सकते हैं और कलयुग में आसानी से मारे भी जा सकते हैं। अब ये तो लक है कि कौन डूबेगा कौन तरेगा। मैं तो कहूंगा कि यहां बैठा हुआ हर शख्स लकी होना चाहिए, हमको डूबना नहीं है तरना है। राधा रानी से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम और आप आगे बढ़ेंगे। हम तो तेरे राधा रानी हमें तेरा ही सहारा, हम तेरे राधा रानी हमें तेरा ही सहारा, हम तेरे राधा रानी तेरा ही सहारा, हम तेरे राधा रानी हम तेरा ही सहारा, हम तेरे राधा रानी हम तेरा ही सहारा, हम तेरे राधा रानी हम तेरा ही सहारा। हे लाडली कृपा
रे पतितों को दे किनारा हे लाडली कृपा कर पतितों को दे किनारा अब कौन द्वारे जाऊं अब कौन द्वारे जाऊं कोई नहीं हमारा तुम उठाओ सर्वेश्वरी किशोरी गिरतों को तुम उठाओ उठ करके गिर न जाओ उठ करके गिर न जाओ हे स्वामिनी दोबारा उठ करके गिर न जाओ भी कर दो ओ गुणगान तेरा गाओ ऐसी कृपा कर दो श्री राधे राधे गाओ श्री राधे राधे गाओ ब्रजवास हो ब्रजवास हो हमारा चरणों में
बोले भागवत महापुराण की जय। सद गुरुदेव भगवान की जय। बल सरकार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। काल तक करवाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद छोड़ देंगे? मुझे टेंशन दे रखा है इन्होंने। 10 साल तक तो ठीक है, 4/4 हो गई, उसके बाद हैं? अच्छा, उसके बाद फिर 10 साल का एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 साल का। तो मेरा तो मन करता है 10-10 साल बढ़ाने के लिए, बजाय पूरी साल जब तक जिंदगी रहे तब तक का एग्रीमेंट कर लें तो क्या बुराई। ये एग्रीमेंट किसके लिए है? मेरे और आपके लिए नहीं है ये एग्रीमेंट, मेरे कृष्ण के लिए है, भक्ति के लिए है, प्रेम के लिए है, समर्पण के लिए है। आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर भागवत कथा एंड थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर, सपोर्टर्स एंड वॉलंटियर ऑल्सो हु हैव एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। ये छोटे छोटे जो हमारे कार्यकर्ता है ना, जब मैं सुबह शोभा यात्रा में गया था, मैंने इनको देखा, एक 5 साल की या 7 साल की बच्ची झंडा उठा के चल रही थी, झंडा उठा के चल रही थी। तो वो क्या है? ये समर्पण है, ये प्रेम है। अधिकांश लोगों को लगता है कि शोभा यात्रा में नहीं, कथा में चलेंगे। लेकिन शोभा यात्रा में, मैंने सुबह बताया था, आप जितना नंगे पांव चलकर गए उतने यज्ञ आपने कर लिए, जितने कदम आपने बढ़ाए उतने यज्ञ आपके हो गए, आपके अनचाहे में हो गए वो यज्ञ। आपने सोचा नहीं था कि इतने यज्ञ मुझे करना है, लेकिन हो गए। कलयुग के लोगों के लिए काम बहुत अच्छा है। कलयुग में पुण्य कम करो, लाभ ज्यादा लो। और युगों में इतने यज्ञ करने पड़ेंगे तो इतना लाभ होगा। आपने कलश यात्रा में शामिल हुए और आपको कलश यात्रा में शामिल होकर ही इतने यज्ञों का फल मिल गया, जितने कदम आप लोग चलकर आए। तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का साधुवाद, धन्यवाद दूंगा, जो छोटे छोटे हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो हर तरीके हैं, लेकिन दिल से सपोर्ट है उनका, तो उनका भी धन्यवाद है। और आप सब एक बात तो जानते हैं, एज यू नो, भागवत कथा इज शेड्यूल फॉर 7 days। I request you to attend all the 7 days to heal the past, live happily in the present, and hope the golden future. आप सबका अच्छा भविष्य हो, इसके लिए आप लोग पूरे 7 के 7 दिन भागवत कथा सुने। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सोच रहे होंगे ठाकुर जी पागल वागल तो नहीं हो गए? मैंने कहा था ना मैं कुछ चेंज करूंगा आपके लिए, और मुंबई वालों के लिए मैं हमेशा ऑलवेज चेंज करता ही रहता हूं, क्योंकि आपका प्यार ही ऐसा है। हमेशा हमेशा आप मुझे हमेशा पहले साल से अपने लगते हो, और ये बार बार शो करने की जरूरत नहीं है, है ना? तो क्या बोलेंगे आप प्यार से? थोड़ा सा आप अपने उसमें लौट आते हैं, जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद। और आज के कथाक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व हमारे धर्म पर आए हुए एक संकट की चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने देख सुना होगा न्यूज में, रूस में गीता को कुछ और शब्दों से संबोधित किया गया, कुछ कम लोग हैं बहुत, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक कोई भी स्ट्रांग कदम, मजबूत कदम,
भारत से और भारत की सरकार से और भारत की जनता से और धर्म को मानने वालों की तरफ से भी उठाया नहीं गया। यह बड़े दुख की बात है। मैं आप सबसे एक बात बता देना चाहता हूं, हमारा सनातन धर्म, अभी अभी मैंने कथा जब शुरू की तो कहा विश्व का क्या हो, जो विश्व का कल्याण कराने वाला है ना, वो धर्म हमारा है। ये सिर्फ भारत का कल्याण हो ऐसा नहीं सिखाता है, या सिर्फ और सिर्फ सनातनियों का कल्याण हो ऐसा भी नहीं सिखाता है। ये हमारा धर्म सिखाता है विश्व का कल्याण हो, जो इस विश्व में इस संसार में पल रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला हो। मुझे दुख इस बात का है, अभी तक कोई भी व्यक्ति इस तरफ बड़ा कदम उठाकर नहीं चल रहा है कि हमारी गीता के लिए किसी ने ऐसा लफ्ज या ऐसा सोच कैसे रख लिया। आतंकवाद को बढ़ावा गीता देगी? गीता में तो कहा जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वहां आतंकवाद को मिटाना सिखाया गया है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं सिखाया गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो सिर्फ भारत का गुरु नहीं, वो पूरे विश्व का गुरु है। और गुरु कभी शिष्य का मंगल नहीं चाहेगा, और गुरु कभी भी एक दूसरे को भिड़ाएगा नहीं। गुरु तो बचाता है, अंधेरा नहीं प्रकाश देता है। और वो कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरी दुनिया का गुरु, ये कहेगा कि तुम भिड़ो। मैं दावे से कहता हूं जिस शख्स ने यह मूर्खता की है वो जानता ही नहीं धर्म को और गीता को, वो जानता नहीं भारत को, वो जानता नहीं कृष्ण को, वो जानता नहीं कृष्ण के अद्भुत चरित्रों को। जिसने भी यह मूर्खता करी है वो नहीं जानता। अगर वो जानता तो शायद ये सोच उसकी कभी बनती ही नहीं। पाकिस्तान ने आज तक नहीं कहा कि गीता आतंकवाद को बढ़ावा देती है। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारा पड़ोसी भाई है, हमारा भाई है, रूस भी हमारा भाई है। हमें किसी से कोई मतलब, हम तो चाहते हैं कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, हम अपने धर्म की रक्षा करें, ना आप हमारे अगेंस्ट जाओ ना हम आपके अगेंस्ट जाएं। यही तो सिखाती है मानवता, यही तो सिखाती है सज्जनता, यही तो सिखाता है भारत का सनातन धर्म। हमारा धर्म सिखाता है, ए वो हमारे कहने लगे थे मजहब नहीं सिखाता, क्या मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी ये हम वतन है, ये हिंदू सता हमारा। अब ये नहीं कहूंगा नहीं तो रूस वाले बुरा मान जाएंगे, माने तो मान जा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता, माने तो मान जा भाई। मुझे कौन सी तेरे यहां कथा करने आना है, तू बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा, तू बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा। जब तक नहीं आऊंगा, जब तक ये प्रतिबंध जो गीता पर जो कोर्ट में ये बात लगाई, मैं आपसे वचन देता हूं, अगर पहली बात तो कोई बुलाएगा नहीं, अमेरिका वगैरह हम बुला लेते हैं, वहां नहीं बुलाया, बुलाएगा तो नहीं जाऊंगा मैं। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक रूस नहीं जाऊंगा, जब तक गीता पर ही विवाद रहेगा। आप सबके सामने संकल्प लेता हूं, वचन देता हूं आप सबको, मैं भारत की सरकार से निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना आप सब की तरफ से, सनातन धर्म जितने भी मानने वाले उन सब की तरफ से एक ही बात कहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हमारा धर्म बचा रहा तो देश बचा रहेगा, और जिस दिन धर्म नहीं बचेगा, दावे से कहता हूं शासन करने के लिए देश तो चाहिए, और जब देश ही नहीं होगा तो शासन क्या मेरे सर पे करोगे। और जिस देश में धर्म सुरक्षित ना हो वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आप सबसे भी, आप लोग चुपचाप बैठे हो, कथा सुनने आ गए हो, इतनी कथाएं सुनते हो, तुम लोगों के मन में ये बातें आई, बैठे जी आराम से पाव भाजी खाओ, वो भेलपूरी क्या बटाटा बड़ा, जितना उसका नाम बड़ा उतना ही उसका साइज छोटा, बटाटा बड़ा साइज छोटा, बड़ा नाम बड़ा है बटाटा बड़ा है छोटा सा, लेकिन जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम तो करो तुम लोग। सच्ची में मैं, मेरे को थोड़ा सा इस बात पे, मैं जहां भी जाता हूं कथाएं में अर्पार लोग आते, भीड़ आती है, लेकिन धर्म के नाम पर लोग बड़े कम हो जाते, मेरी समझ में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं है बात ये।
यह गीता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है मेरे भाई बहन, ये हम सबके वजूद पर एक शक है। इनडायरेक्ट वे में वो ये कहना चाहते हैं कि हम सब आतंकवादी हैं। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने यही कहा है, क्योंकि हमारा गीता ग्रंथ है। हमने नहीं कहा कि बाइबल गलत सिखाता है, हमने नहीं कहा कि कुरान गलत सिखाता, हम तो सभी धर्मों का आदर करते हैं। तुम अपने धर्म की रक्षा करो, हम अपने धर्म की। आप सबको एक बात मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई बहन, भारत की सरकार से भी, कि हम सबको चाहिए कि गीता के पक्ष में एकजुट हो जाएं, ये भूल कर कि मैं ये हूं कि मैं वो हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। और हिंदुस्तान की तीन पहचान है, गंगा, गीता और गाय। रूस में गंगा नहीं है पाप धोने के लिए, वहां कुछ और ही होगा पाप बढ़ाने के लिए। वहां की नदियां पाप बढ़ाती हैं, हमारे यहां की नदियां पाप घटाती हैं। हमें उनसे परवाह नहीं, वो तुम बढ़ाओ घटाओ। लेकिन मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आप लोग आगे आए सभी सभी। कौन कौन चाहते हैं कि मेरी बात से जो सहमत है हाथ उठाए। सभी सहमत है मेरी बात से? चलो हैव योर सीट प्लीज। तो मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सभी भारत की सरकार से एक प्रार्थना मेरे साथ मिलकर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा 26 को या 27 को हम और आप इस गीता के रक्षा के आंदोलन से हम और आप कुछ करेंगे, तो आप सब उसमें हमारे साथ में रहेंगे। मैं अपनी तरफ से पहला कदम उठाऊंगा और आप सबका साथ चाहिए मुझे। फिर एक बार देखिए, वो कहते आतंकवाद, महात्मा गांधी कौन थे? जवाब दीजिए, अहिंसावादी थे या हिंसावादी थे? और महात्मा गांधी जब जब इस आजादी के अहिंसावादी आजादी में कहीं उनको अड़चन आई, तब गीता ने उनकी सपोर्ट करी। और पूरा दुनिया जानता है इस बात को, पूरी दुनिया मानता है इस बात को कि महात्मा गांधी जैसा युग पुरुष शायद ही हो कोई, जिसने हाथ में गीता लेकर एक लकड़ी का सहारा लेकर पूरे भारत को आजाद करा दिया विदाउट एनी वॉर। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा और उनको यह बात समझाना चाहूंगा कि हमारा धर्म सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। हमारे धर्म ने हमेशा सबका भला किया है, बुरा किसी का नहीं किया। और हमारा धर्म सिखाता है भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का, बोलो बोलो कुछ तो याद होगा, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। हम लोग लड़ना नहीं सिखाते, हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? अभी कथा के शुरुआत में आपने क्या किया? पिछले 5 सालों से जब भी मैं कथा करता हूं प्रारंभ, तो शुरुआत में विश्व शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, भारत की शांति के लिए नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए। और यह प्रेरणा मुझे गीता ने दी है। किसने दी है? गीता ने, जो वो महात्मा कुछ उसको गलत समझते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा प्लीज, टीवी पर कथा सुनने से धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, पंडाल में सिर्फ बैठकर कथा सुनते रहो इसी से धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म के लिए हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, थोड़ा बहुत आगे आना होगा। तो प्लीज अगर आपकी आत्मा है, जमीर थोड़ा सा है, तो अपने गीता की रक्षा के लिए सब लोग आगे आएंगे। और 28 को जजमेंट होना है, हमें 27 को बताना है कि हमारा गीता ग्रंथ जो है वो सबका भला चाहता है, बुरा किसी का नहीं चाहता। तो आप सब ये सब करेंगे तो मैं आप सबसे प्रार्थना, जो भी मुझे आस्था टीवी पर सुन रहे हैं वो भी वहां वहां अगर पॉसिबल हो तो 27 को आप मुंबई आ जाओ, सबके सब आ जाओ। चलो क्या करें, यहीं से करें कुछ, तो आप कथा शुरू करें करें। बोलो भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। तो आप लोग सर ढकेंगे एक मिनट और भागवत का प्रथम श्लोक मेरे साथ बोलेंगे।
सभी बोलेंगे भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। सचित आनंद घन सर्वेश्वर सचित आनंद को मेरा प्रणाम है, उनको प्रणाम करके भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण श्री कृष्ण है। हमारे मम्मी पापा तो माध्यम है, क्या है? सिर्फ माध्यम। भगवान चाहता था कि हम इस दुनिया में आए तो हम उत्पत्ति वो कारण है, हमारे मम्मी पापा कारण नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आए हैं तो इसलिए वो भी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। भागवत सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिश्यते, सभी वेदों का सार निचोड़ भागवत ग्रंथ है। भागवत हमेशा वो देती है जो हम मांगते, भागवत से जो मांगते सो मिलता है और सेम टाइम मिलता है। आज मांगा तो आज मिलेगा, लेकिन लेकिन कई लोग मेरे को ऐसा मिले, कहते ठाकुर जी हम आप कहते जो चाहिए सो मिल जाता है, लेकिन हम इतने दिनों से भागवत सुन रहे हैं हमको तो कुछ मिला नहीं, तो उसके पीछे एक प्रॉब्लम है। यहां कथा सुना, कथा सुनकर गए, वहां जाके आपने वो किया जिसके लिए व्यासपीठ पे मना किया गया था। जो चीज भागवत हमें समझा रही है, एटलीस्ट कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 दिन तो उसका पालन करो। अधिकांश मैंने देखा है धर्म को मानने वाले, धर्म को जानने वाले ही धर्म की निंदा ज्यादा करते। एक तरफ तो बहुत बड़े श्रोता बनकर आप भगवान की कथा सुन रहे हो, दूसरी तरफ वो श्रोता ऐसे बने कि बाहर निकलते ही वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, तुम फिर भागवत धर्म का पालन कहां कर रहे हैं हम और आप? भागवत निश्चित तौर पर कल्प वृक्ष है और जो आप मांगोगे वो अभी देगा। शर्त इतनी है श्रद्धा के साथ सुना जाए, शर्त इतनी है प्रेम के साथ सुना जाए, शर्त इतनी है नियम के साथ सुना जाए, और जब सुनोगे तो जो चाहिए तुरंत मिलेगा। आई प्रॉमिस यू, डेफिनेट 100% में आपसे वादा करता हूं, जो चाहिए सो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जितना धर्म की निंदा करना अपराध है, उतना ही धर्म की निंदा सुनना भी अपराध है। चलो हाथ उठा उठा के बताओ मुझे, किस किस ने धर्म की निंदा की और किस किस ने धर्म की निंदा सुनी, बताओ। मैं भी हूं, मुझसे भी लोग आके कई बार धर्म की निंदा करते, मैं सबसे पहले उठाऊं, लेकिन मैं सुनता कम हूं सुनाता ज्यादा हूं। जैसे कोई शुरू होता है ना, मैं उसको डाली काट देता हूं उसकी, तू अलग बैठ। जब तू अपने मां बाप का सगा नहीं हो सका, तू धर्म का सगा नहीं हो सका, तो तू किसी का क्या सगा बनेगा? इस देश में हमारे धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यही है, जो धर्म करते हैं वही धर्म की निंदा भी करते हैं अधिकांश। इसलिए भागवत का फल उनको नहीं मिलता जो धर्म की निंदा करते हैं या धर्म की निंदा सुनते भी हैं। सुनने भर से भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे कानों को वो सुनने को मिला जो नहीं सुनना चाहिए। इजाजत तो मैंने दी, मैंने ही चस्का ली, हां और हां और
हाँ, और तेरे पापा को राज है, ले जा। जिंदगी में जितने अच्छे कर्म नहीं किए, जितना पाप कमा लिया एक सेकंड में, धर्म की निंदा सुन के पाप ज्यादा कमा ले, उतार लूं, इजाजत है। राधे राधे, जोर से अरे आज मुंबई वाले ऐसा नहीं हो सकते, ये हैट्रिक नहीं है, क्रिकेट में हैट्रिक होती है, यहाँ ये फोर टाइम्स, चौथी बार आ रहा हूं तो हैट्रिक से भी ऊपर हो गई, चार बॉल पे चार विकेट हो गई है, अब तो जोर से बोलना पड़ेगा ना। तो धर्म की निंदा करना और सुनना दोनों ही पाप है, और अगर आप इस पाप में कहीं शामिल हुए हैं तो आपको फल कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। एक गांव में नदी के तट पर एक संत जी रहते हैं, एक गांव के व्यक्ति ने ये बात सुनी और बात सुनी कि संत जी के पास में पारस मणि है। अब पारस मणि की चाह में वो ग्रामीण व्यक्ति संत जी की सेवा करने लगा, रात दिन चरण दबाए। गुरु जी प्रसन्न हो गए, गुरु जी ने पूछा बेटा क्या चाहिए, बोले गुरु जी मुझे किसी ने बताया आपके पास में पारस मणि है। बोले हां है, तो वो पारस मणि आप मुझे दे दीजिए। संत जी बोले ले लेना, मैं कल दे दूंगा। अब कल का इंतजार होने लगा, कल हुआ, संत जी से सुबह उठते ही बाबा वो पारस मणि दे दीजिए। अरे रुक जा, गंगा नहा के आऊंगा फिर दूंगा। अब वो गंगा नहाने संत जी चले गए, थोड़ी दूर पे थी, दो चार घंटे लगने थे। अब उस व्यक्ति को दो चार घंटे का सबर नहीं था, उसने पूरी कुटिया छान मारी, पूरी कुटिया छानी कि वो पारस मणि है कहां, पूरी कुटिया। संत जी आए न दें तो टाल दें तो पहले ही छान लो, मिल जाए तो लेके भाग जाओ। लेकिन उसको पारस मणि नहीं मिली, संत जी आए, संत जी ने कुटिया का हाल देखा, संत जी समझ गए चेला तेज है। तो गुरु जी ने कहा बेटा तुझे थोड़ी देर भी सबर नहीं हुआ। बोले गुरु जी सॉरी, प्लीज दे दो ना। गुरु जी आप कहते पारस मणि नहीं आप पे है, लेकिन मुझे तो पूरी कुटिया में नहीं मिली। बोले है बेटा पारस मणि, देख संत जी ने जो फूस की झोंपड़ी थी ना, फूस फूस समझ गए ना, हाँ, तो उसमें अंदर वो एक डिबिया थी लोहे की, लोहे की डिबिया थी, उस लोहे की डिबिया में संत जी ने इशारा किया, देख उस लोहे की डिबिया में पारस मणि है। और पारस मणि का काम है लोहे को, और संत जी कह रहे हैं ये लोहे की में। वो बोले महाराज पारस मणि है कि कोई डुप्लीकेट आर्टिफिशियल तो नहीं कुछ, क्यों? बोले मणि का काम है गुरुदेव लोहे को स्वर्ण कर देना। पारस मणि का काम है लोहे को भी स्वर्ण कर देना, लेकिन ये जो पारस मणि है लोहे की डिबिया में रखी है, इसके बावजूद इसको सोना क्यों नहीं किया, इसका मतलब नकली है। संत जी ने कहा वो पुड़िया वो डिबिया उठा के लाओ लोहे की। संत जी ने वो डिबिया मंगाई, संत जी ने वो डिबिया ली, और संत जी ने वो डिबिया लेकर उस डिबिया के ढक्कन को खोला और उस पारस मणि को जब निकाला तो उस डिबिया के और पारस मणि के टच होने में एक रुई थी वहां पर, उस रुई में उसको पैक किया हुआ था, अर्थात कुछ पर्दा था जिसकी वजह से वो लोहे से टच नहीं हो पा रही थी, और जब तक टच होगी नहीं तब तक लोहा सोना होगा नहीं। बोले भैया जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक ये लोहा सोना नहीं होगा। भागवत वही पारस मणि है, हम सब वही लोहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काम क्रोध ईर्ष्या पाप की आप धर्म की जो निंदा सुनना करना जो पर्दा है ना, वो पर्दा इस लोहे को स्वर्ण नहीं बनने दे रहा है, और वो लोहे को लोहाई रख रहा है। जिस दिन ये पर्दा हट जाएगा, जिस दिन ये पर्दा हट जाएगा, और जैसे ही ये भागवत रूपी पारस मणि डायरेक्ट
तेरे हृदय को स्पर्श करेगी, मैं दावे से कहता हूं उस दिन तू तू नहीं रहेगा, उस दिन मैं नहीं रहूंगा, तू अपनी जगह से उठकर कुछ और बन गया होगा और मैं अपनी जगह से उठकर कुछ और बन गया होगा। ये इसका कमाल है, ये इसका प्रभाव है, ये इसकी लीला है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे धीरे बोलो, आज पहला दिन है। अरे शोभा यात्रा में भी तो चल के आए थे। कौन कौन चाहता है पारसमणि हमें भी सोना कर दे? सोना मतलब वो सोना नहीं, वो सोना तो गला दिया जाएगा, तपा दिया जाएगा, वो सोना तो बिगाड़ भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जो सोना बनाने की बात कर रहा हूं, न तुम्हें कोई जला पाएगा, न तुम्हें कोई बिगाड़ पाएगा, न तुम्हें कोई कुछ कर पाएगा। तुम वो सोने बनोगे जब जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब तब इतिहास तुम्हारी वंदना करेगा, तब तब वंदना करेगा। तो बताओ कौन कौन करेगा आज के बाद धर्म की निंदा? उठाओ हाथ। कौन कौन सुनेगा धर्म की निंदा? एक बात मैं आपको स्पष्ट और बता दूं, इसमें धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब रावण धर्म का नहीं बिगाड़ पाया, शिशुपाल नहीं बिगाड़ पाया, कंस नहीं बिगाड़ पाया, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप नहीं बिगाड़ पाया, तो तू तो कहू घेत की मूरी को एक तिनका उना है, तू का बिगाड़ है गो? तू तो ऐसे लुढ़क जाएगा जैसे समझो कि नेक हवा चली तिनका उड़ गो, तू तो वो तिनका भी ना है। रावण कंस शिशुपाल दंत वक्र हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप इनके आगे हम कोई माने रखते हैं क्या? बोलिए। जब वो नहीं बिगाड़ पाए धर्म का, मेरे भाई तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तेरा तो ये भी पता नहीं तू दो चार मिनट जिएगा कि दो चार मिनट बाद ही है? फिर भी अभिमान करता है, फिर भी निंदा करता है, नरक में छोड़ तुझे। राधे राधे। कर मैं किसी और को नहीं, मैं तो जो आप मेरे सामने आए उनको बता रहा हूं कि प्लीज दो चीजों से बच के रहो कम से कम सात दिन, न तो धर्म की निंदा करो न धर्म की निंदा सुनो। वैसे तो जिंदगी भर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म की निंदा करने का मतलब है अपनी आत्मा की निंदा करना, और आत्मा की निंदा करने का मतलब है अपने आप से द्वेष रखना, और अपने आप से जो इंसान द्वेष रखेगा वो दुनिया से कभी प्यार नहीं कर सकता, वो दुनिया से कभी उसका भला नहीं कर सकता, वो तो अपना भी नाश करेगा और दुनिया का भी सर्वनाश करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सर्वनाश ना करें, कम से कम अपनी आत्मा का कल्याण करें, ये तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि आप अपना अपना कल्याण तो करें। प्लीज यू बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहले आप अपने ऊपर यकीन करिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, ऐसे नहीं जोर से, राधे राधे। मीराबाई से निंदा की थी राणा ने, लेकिन मीरा ने इतनी जोर से डांटा उसे, इतनी जोर से डांटा, मीरा ने कहा ये साधु तो माई बाप हमारे, वो साधुओं की निंदा करता है, इन साधुओं के साथ रहती है, तू रानी हो के महारानी हो के तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने मेरी मूछों की भी इज्जत नहीं की। तो मीरा ने कहा अकड़ और शान ये मूछें धरी तलवार, रह जाए निकल जाएगा जब समय तो फिर क्या होता है पछताए, अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से कुछ तो बोलो। अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो, निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी का। तेरी जवानी कितने दिन, तेरा बचपन रहा क्या? जो जवानी रहेगी, और जो जिनकी जवानी निकल गई जरा उनसे भी पूछ ले, कभी तुमसे जवान हुआ करते थे, खूबसूरत दिखा करते थे, लेकिन आज उनके घर वाले भी नहीं पूछते हाउ आर यू, उनके घर वाले भी कहते हैं प्लीज बैठे रहो, डोंट स्पीक, कुछ बोलो ही मत, कीप साइलेंस। लेकिन क्या वो कभी जवान नहीं थे? क्या वो कभी बलवान नहीं थे? क्या भी कभी रूपवान नहीं थे? क्या वो कभी धनवान नहीं थे? कभी थे, अभी नहीं।
तो इसलिए मीरा ने डांट दिया, और जब भी कोई हमें धर्म की निंदा करने, देखो धर्म पे जान देनी पड़े ना तो दे दो। और मैं कसम से आप लोगों के सामने सच कहता हूं कि अगर आज भी गीता की रक्षा के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो तुम लोग सब मिलकर मुझे सबसे आगे कर देना, मैं अपनी जान सबसे पहले दूंगा गीता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं सबसे पहले दूंगा। जब धर्म नहीं तो मैं जी के क्या करूंगा, मैं किसकी कथा सुनाऊंगा आपको, मुझे नहीं जीना। और अच्छा है किसी के काम ना आए उस जीने से बढ़िया है कि धर्म के काम आकर मर जाए। धर्म और रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और भागवत धर्म बड़ा सुंदर है, भागवत धर्म हमें भगवान की शरण में ले जाता है। कहां ले जाता है? भगवान की शरण में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीधाम भागवत नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई, सोनकादिक ऋषि 88,000 नैमिषारण्य में विराजमान है, और वहां पर सूत जी महाराज पधारे, और जैसे ही वहां सूत जी महाराज पधारे तो सोनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव सूत जी महाराज, आप तो बड़े ही निपुण हैं, ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है, ज्ञान विद्वंस कोटि सूर्य सम्यक् प्रभा। सूताख्याय कथा सारा मम कर्ण रसायना, हमारे कथा को जो रस पान करना है वो भागवत रस या भगवान की जितनी भी कथाएं हैं ना वो कथा मत सुनाना, कथाओं का सार सुना दो। तो सूत जी महाराज ने कहा मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। नैमिषारण्य में भागवत प्रारंभ हुई। बोले भागवत सुनने से किसी का कल्याण हुआ? बोले मैं भागवत का महात्म्य सुनाता हूं। भागवत के महात्म्य आप सब जानते हैं, देवऋषि नारद की वृंदावन यात्रा का वर्णन किया गया। वृंदावन में भक्ति जवान है, और जब महाराष्ट्र में भक्ति आई थी तो यहां भी जवान हो गई थी। उत्पन्नम द्रवणम देश अवृद्धिम कर्नाटके गदा, कचिन कचिन महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र में आई तो यहां भक्ति जवान हुई, गुजरात में गई तो वहां वृद्ध हो गई, और वृंदावन में गई तो फिर जवान हो गई। जैसे मैंने आपको देखा है ना, आप लोग कहते हो ये कृष्ण हमारा है, मैंने देखा आप लोग सिद्धि विनायक नंगे पांव जाते हो। कौन कौन जाता, गए हो कभी नंगे पांव पैदल? क्यों जाते हो? ये भक्ति का ही तो पर्याय है, ये भक्ति ही तो है। हमें कहीं ना कहीं ये यकीन है कि अगर हम सिद्धि विनायक जाएंगे तो क्या होगा? बोले गणेश जी हमारी सुनेंगे, हम पर कृपा करेंगे, और जो हमें चाहिए सो मिल जाएगा। ये यकीन तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। मैंने तो देखा हमारे कीर्ति भाई बैठे हुए हैं, इनको थोड़ा सा कई कई बड़े बड़े स्टार जाते हैं साहब, जब फिल्म रिलीज होती है नंगे पांव जाते, हमारी फिल्म रिलीज हो रही है जरा सक्सेस करा देना है। कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं ना कि आखिरकार एंड तो भगवान ही है, कल्याण तो यही करेगा, काम तो यही आएगा। अगर हमारे कोई काम आएगा तो यही आएगा। ए वो हाथी है ना घोड़े, वहां पैदल ही जाना है ना, वहां सब जानते पैदल ही जाना है, वहां कोई प्लेन नहीं जाएगा। जब मैं आ रहा था ना कल आ रहा था, बाबा रे बाबा मौसम खराब हो गया। क्या खराब हो गया? मौसम खराब हो गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया मौसम खराब है। अब मौसम खराब है तो क्या होगा? वो अपना काम कर रहा था, हम अपने काम में लग गए। हमने कहा भाई तो मुंबई में कथा शुरू होनी है, मौसम को ठीक करो, और फिर जैसे तैसे मौसम ठीक हो गया। हमारे साथ जो गए थे उनका मौसम अभी तक खराब है, जो हमारे साथ आए थे उनका मौसम अभी तक खराब है। लेकिन अब ऊपर जब कुछ हो जाए तो न धरती मिले ना आसमान, कुछ भी नहीं नसीब है वहां, तो वहां कुछ नहीं जाता साथ में। वहां अगर जाएगा तो एक शब्द जाएगा, और वो शब्द है राम नाम सत्य। चाहे इस बात को आज मान ले, चाहे इस बात को जवानी में मान ले, और चाहे इस बात को तब मान लियो जब बुढ़ा हो जाए,
और तब भी न माने तो तेरे मरने के बाद तेरी अर्थी को तो सब सुनाएंगे ही सुनाएंगे, राम नाम सत्य है। अफसोस तू नहीं सुन सकेगा, लेकिन वो ले जाने वाले जरूर कहेंगे राम नाम। मुझे कोई मरे हुए को सुनाए राम नाम सत्य, उससे बेटर है कि मैं अभी समझ लूं राम नाम सिद्धि विनायक शरण तुम्हारी, कृपा करो दया करो पकड़ो बांह हमारी। और मुंबई फिल्म वाले कहते ही सक्सेस करो फिल्म हमारी, हम कहेंगे कि जरा हमारी भी रखना 8 दिन तक देखवारी। जरूरी है ना भाई, इतना बड़ा आयोजन है, इतने लोग आते हैं, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो। मैं जब एयरपोर्ट पे आता हूं ना तो सबसे पहले उन्हीं को पकड़ाता हूं, ये पकड़ ले अपनी डोर, 8 दिन तक की जिम्मेवारी तेरी। फिर अगली बार जहां जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो उसको कहेंगे भैया तेरा शहर है तेरा पकड़। हम अपनी जिंदगी अपने हाथ लेके नहीं चलते, हम अपनी जिंदगी भगवान के हवाले कर देते हैं, और वही आपसे कहते हैं वही आप भी करिए। महाराष्ट्र में भक्ति जवान है, आज भी जवान है। मैं देखता हूं नवरात्र यहां कैसे मनाए जाते हैं, टीवी पे देखता हूं, मैं देखता हूं कि जब मैं भागवत कर रहा हूं तो पहले ही दिन 90% आपने पंडाल फुल कर दिया, 95% पीछे मुड़ के मत देखना, चुप इधर देखते रहो। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर भी तो यकीन करो, 95% फुल है और 5% 6 बजे तक और हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भक्ति जवान है। अधिकांश कहीं भी जाओ तो कहते हैं एक दिन पब्लिक कम रहेगी, दूसरे दिन बढ़ेगी, तीसरे दिन बढ़ेगी। अरे मुंबई वालों से सीखो, पहले दिन फुल हो गया। ऐसे कथा पहले दिन से सुननी चाहिए, न जाने कौन सा शब्द हमारा कल्याण कर दे। एक शब्द मेरा कल्याण कभी भी कर सकता है, सिर्फ एक शब्द। 7 दिनों में से सिर्फ एक शब्द मेरे काम आने वाला, बोलो राधे राधे। सूजी महाराज से कहा कथा सारंभ, वो कथा का महत्व बताने लगे। भ्रमण करते हुए श्रेय देवऋषि नारद वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में जाकर देखा एक स्त्री जो नौजवान है सुंदर है, लेकिन उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं, उनके पास बैठ के वो रो रही है। पूजा कौन हो तुम, तो उसने कहा हम भक्ति रितिम ख्याता है मोर मेर तनियोर मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, लेकिन कलयुग ने जर्जर बना दिया मुझे, मेरे पुत्रों को वृद्ध कर दिया, और लोग मेरा उपास करते, मां जवान है और पुत्र वृद्ध है। प्लीज ध्यान से सुने, एक बार पुनः याद दिला दूं, इस दुनिया में ऐसा कोई माई कलाल नहीं हो जिसकी लोगों ने बुराई न की हो। लिसन टू मी प्लीज केयरफुल, मीरा की नरसी की तुलसी की सूरा की ध्रुव की प्रहलाद की सबकी बुराइयां की। अरे और की तो छोड़ो मेरे भाई, जब इस देश में भगवान राम और कृष्ण आ गए तो इन दुनिया वालों ने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी नहीं छोड़ा। ये दुनिया किसी को छोड़ती है क्या? ये अच्छी बातों का बखान नहीं करती, बुरी बातों का बखान ज्यादा करती। और जो चीजें आप में होती भी नहीं उन चीजों का भी बखान कर देती है। मैं प्रूफ हूं, कई चीजें ऐसी हैं जो मुझ में नहीं है और मेरे बारे में वो मेरे को सुनने को मिलती है, मुझे बड़ा खुश होता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे बताया है जब भी तुम्हारी बुराई करे, जब भी तुम्हारे सामने परेशानी हो तो समझना ठाकुर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और वो चाहता है कि तुम उसके नजदीक जाओ, और तुम तभी नजदीक जाओगे जब लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। राम कृष्ण को नहीं छोड़ा, भक्ति कह रही है लोग मुझे उपास करते, मेरे पुत्र वृद्ध हैं, लोग कहते हैं ये कैसी मां है जो जवान है, बेटा वृद्ध है। भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य, भक्ति के साथ वैराग्य का होना जरूरी है, तभी तुम्हारी भक्ति की साधना सफल होगी। भक्ति में भोग जो है विनाशकारी है, जो जीव भक्ति करें और साथ में भोगों को भी भोगते रहें तो वो पूर्ण रूपेण साधना में सफल नहीं हो पाते। अगर साधना में सफल होना है तो भक्ति में सफल होना है तो सबसे पहले भोगों से दूरियां बना लो और सबसे पहले वैराग्य को अपने जीवन में उतार लो। किसको? वैराग्य को। जब जीवन में वैराग्य आ जाएगा तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा।
भक्ति कहती है मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य इनकी ये दशा हो गई महाराज। नारद जी ने बहुत उपाय किया उनको ठीक करने का। जगह क्या है? वृंदावन। क्यों वृंदावन? क्यों, किस लिए? क्योंकि वृंदावन में भक्ति का महत्व बहुत ज्यादा है। ब्रज रज को आज भी बड़े बड़े विद्वान अपने माथे पर टीका लगाते। आज भी मैं आपको बोले ना, राम जी ने माटी नहीं खाई, कृष्ण जी ने ब्रज रज खाई। ब्रज रज का बहुत महत्व है। अगर ब्रज में तुम्हें एक दिन का वास मिल जाए ना, तो समझना राधा रानी ने कृपा की है तुम्हारे ऊपर। राधा रानी चाहती हैं कि तुम उनकी बनो, वो तुम्हें अपनाना चाहती हैं। और बिना राधा कृपा के ब्रज में वास नहीं मिलेगा, प्रवेश नहीं मिलेगा। कृष्ण भी तभी रहते हैं क्योंकि राधा की कृपा उन पे है। जो जो व्यक्ति चाहते हैं ब्रजवास मिले, तो पहले राधे के अनुनाई बनो, पहले राधा रानी के गीत गाओ। कहते हैं व्यक्ति का अंतिम समय अगर प्राण ब्रज में वृंदावन में निकल जाए, तो इसमें डाउट तो करना ही नहीं है कि सीधे भगवान के धाम को ही जाना है, अर्थात भगवान के ही चरणों में जाना है। इसमें संदेह नहीं है, दो राय नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ध्यानी भक्त ज्ञानी एक ही बात चाहते हैं कि हमारा अंतिम समय श्रीधाम वृंदावन में हो। बड़े बड़े सेठों को मैंने देखा है, वो लोग एक अपना घर बना लेते हैं और अपना पूरा सब कुछ छोड़ के आज भी हैं ऐसे लोग वृंदावन में रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। क्यों? सुबह शाम ठाकुर के दर्शन करेंगे, फिर दिन में ठाकुर के गीत गाएंगे, जब भी होगे सिर्फ ठाकुर की चर्चा करेंगे। ए, तुमको तुम्हारे हिसाब से समझाऊं, तुम्हें कभी 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 तो हुआ ही होगा एक्चुअली। हमारे घर में बेटा हो, बेटा पहली संतान हो, माँ बाप उससे कितना प्यार करते हैं, करते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा चर्चा उन दिनों में किसकी होती है बताइए, बोली किसकी होती? तुम्हारे बिजनेस की, तुम्हारे रोटियों की, तुम्हारे घर परिवार किसकी? सबसे ज्यादा चर्चा आने वाले उस सदस्य की होती है, क्योंकि हम सब उससे प्यार करते हैं। अभिप्राय, हम जिससे प्यार करते हैं 24 आवर्स उसी की चर्चा हमारे दिमाग में रहती है, जुबान पे रहती है। वैसे ही जो भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, जो वृंदावन बसते हैं, वो कोई और चर्चा नहीं करते, वो तो सिर्फ कृष्ण की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि वो प्रेमी है, वो प्रियतम है, वो दिलवर है, वो हमारा मोहन है। एक भजन गाया था, पता नहीं गाँव के रहने दो, कहाँ है आई, जुगनिया काना के वृंदावन जाऊंगी, बनके जुगनिया काना के वृंदावन जाऊंगी। ओड़ी चुनरिया तेरी पिया, ओड़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओड़ी ओड़ी, मैंने ओड़ी ओड़ी, मैंने ओड़ी ओड़ी, मैंने ओड़ी ओड़ी, मैंने ओड़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओड़ी चुनरिया तेरी के जोगनिया काना के वृंदावन जाओगे, बन के जोगनिया काना के वृंदावन जाओगे। श्री राम
यमुना किनारे कुटिया बनाओ, यमुना किनारे कुटिया बनाओ। ताली बजाने पड़ोसी बुलाएं क्या? लेके आकर पड़ोसियों को क्या बुराई, वो ताली बजाते रहेंगे, तुम आराम से बैठे रहना। हाँ किनारे कुटिया बनाओ, यमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे राधे निश दिन गाओ, राधे राधे निश दिन गाओ। यमुना किनारे कुटिया बनाओ, यमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे राधे निश दिन गाओ, राधे राधे निश दिन गाओ। ओके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया मैं, होके दीवानी तेरी पिया मैं, होके दीवानी तेरी पिया। हो भस्मी रमाऊं मेरे तन के जोगनिया काना के, वृंदावन जाऊंगी मैं बन के जोगनिया। कृष्ण पिया को लाड लड़ाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ। कृष्ण पिया को लाड लड़ाओ, कृष्ण पिया को लाड लड़ाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ। रूठे अगर जो मेरा पिया, रूठे अगर जो मेरा पिया, मैं उनको मनाऊंगी बन के जोगनिया काना के, वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया काना के, वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। बैठ जाओ सब, सब बैठो, सब मींस सब, और वही खड़ा होगा जो चुनरिया पहन के ओढ़ के खड़ा होगा, और जिसको चुनरिया नहीं वो नहीं खड़ा होगा नृत्य, वही खड़ा होगा जो चुनरिया ओढ़े। सर हम भी ढक लेते सर, तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है हम किस लिए बदनाम है? हमें लोग बदनाम करते हैं कि ये कथा बता तो सुनाते नहीं, सिर्फ नचाते रहते हैं। जब लोगों ने मुझे बदनाम कर ही दिया है तो नाच तो लो कम से कम बावरे हो ढंग से। श्री राम है
वृंदावन की पावन गलियां, वृंदावन की पावन गलियां, खेले जहां पर कृष्ण कन्हैया, खेले जहां पर कृष्ण कन्हैया, खेले जहां नित कृष्ण कन्हैया, खेले जहां नित कृष्ण कन्हैया, आवे जिधर से मेरा पिया, आवे जिधर से मेरा पिया, ओ आवे जिधर से मेरा पिया, आवे जिधर से मेरा पिया, मैं पलके बिछाऊंगी के जो गनिया काना की, वृंदावन जाओगे के जो गनिया काना की, वृंदावन जाओगे। श्री राधे की जय। बिहारी से नेह लगायो, बाके बिहारी से नेह लगायो, लाली मेरे लाल की, लाली पड़ोसी बजाने आ रहे हैं ना, कॉल कर दिया ना, लाली मेरे लाल की, चित देखो चित लाल, लाल ढूंढन मैं गई मैं गई और मैं भी हो गई लाल, बांके बिहारी स्नेह लगायो, बांके बिहारी स्नेह लगायो, ओ सांवरिया मेरे मन भायो, सांवरिया मेरे मन भायो, ओ सांवरिया मेरे मन भायो, सांवरिया मेरे मन भायो, करके इशारो मेरो पिया, करके इशारो ओ करके इशारो मेरे पिया, करके इशारो मेरे पिया, मैं तुमको बुलाऊंगे बनाया नया है, और एक तुम हो तो ताली भी नहीं बजाई जाती। मुझे बड़ा आनंद आता है, लोग कहते हैं कि देवकीनंदन सबको बिगाड़ देगा, ये कथावता सुनाता नहीं है, सिर्फ नचाता रहता है। मैं कहता हूं मीरा भी तो नाची थी, मैं कहता हूं नरसी भी तो नाचा था, और ब्रज की गोपियों ने क्या गीता के श्लोक सुनाए थे, वो भी तो कन्हैया को नाच नाच के रिझाती थी, गा गा के रिझाती थी, कभी माँ कनखवा के। वही पैटर्न पे हम चल रहे हैं, अगर ये गलत है तो तुम्हारी तुम चिंता करो, हम तो नहीं बदलेंगे भैया। हम नहीं बदलेंगे, वी कांट चेंज, रहिए ना, लगे रहेंगे राधे राधे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मेरी तरह ऐसे ही कथा भी सुने और नृत्य भी करे और आनंद, सब चाहते, बैठ जाओ यार। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ठाकुर जी के गीत गाने को मिले, नृत्य भी अच्छी जगह ठाकुर के दरबार में ना, अच्छा करना चाहिए। वृंदावन में यही बात है, ब्रजवासी दिल से नाचते ठाकुर के आगे,
गाते हैं, गाना आए ना आए फिर भी गाते हैं। क्यों? ये प्यार है। मैं हमेशा कहता हूं जिसे गाना नहीं आता ना वो प्यार कर लो, और वो प्यार कैसा भी करो, दुनिया से करो तो गायक बन जाते हो, कन्हैया से बनो तो गायक बन जाते हो। और मैं तो कहूंगा दुनिया के लिए गायक मत बनना, अगर बनना हो तो मेरे सांवरिया के लिए गायक बनना। आपको एक बहुत बड़ा हकीकत बताऊं, सच बताऊं, कथा शुरू करने से पहले मुझे गाना ही नहीं पता था, गाना कहते किसको है। और जब मैं कथा कहने लगा तब मैं भजन गाने लगा, और भजन गाने लगा तो ऐसे गाने लगा कि अब तो लोग कहते भजन गाओ भजन गाओ भजन गाओ। ये तो मुझे भी पता है कि मैं अच्छे नहीं गाता हूं, पर फिर भी लोग कहते हैं और गाओ तो और लो कब, क्योंकि ठाकुर से प्यार हो गया, उसके गीत गाते आनंद आता है। तो कथा क्रम को आगे बढ़ाएं, नारद जी महाराज गीता का पाठ भी सुनाया लेकिन ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। अंत तो गत्वा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ने उनको भागवत सुनाई, भागवत सुनकर उनका कल्याण हुआ। इसी भागवत ने ज्ञान वैराग्य का कल्याण किया है, इसी भागवत ने। ये भागवत का महत्व है। धुंधकारी की कथा भागवत में आती है, आप सब जानते हैं। आत्मदेव के नाम ब्राह्मण जो हैं, आत्मदेव ब्राह्मण, उनको एक परेशानी है, उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। अब जिसके पुत्र ना हो वो दुखी, जिनके है वो सुखी तो नहीं दिखते मुझे, वो ज्यादा दुखी दिखते। और आप सब जानते हैं जिनके पुत्र हैं वो सुखी हैं, पुत्र वाले हाथ उठाओ सुखी हो, छोटे छोटे हैं जिनके वो सुखी हैं, और थोड़े जो बड़े हो गए हैं वो चल बाइक चलाने लायक जो हो गए हैं वो राधे राधे है ना। एक बात बताऊं मैं आपको, तुम और हम जहां सुख ढूंढते हैं वहां सुख है ही नहीं। मेरा बेटा मुझे सुख नहीं दे सकता, मेरी औलाद मुझे सुख नहीं दे सकती। अगर मुझे सुख चाहिए तो सबसे पहली बात मुझे गोविंद के चरणों में आ जाना चाहिए। जो गोविंद की शरण में आ गया है वो खुश है, वो आनंदित है। और जो गोविंद की शरण में नहीं आया, धन कमा सकता है पैसा कमा सकता है, सुख नहीं पा सकता। सुख पाने का एक ही जगह, अब देखो यहां पर आप बैठे हो कितना आनंद ले रहे हो, कितनी आत्मा प्रसन्न है, झूम रही है, मन नाच रहा है, गा रहा है, ये क्या, ये सुख है, सच्चा सुख, मिटेगा नहीं बढ़ता ही रहेगा। और जो सुख के साधन हैं वो कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, कभी मिटते भी हैं कभी रहते भी नहीं है, क्योंकि वो तो साधन है ना, सुख नहीं है, वो सिर्फ साधन है। और एक बात जीवन भर याद रखना, साधन घटते बढ़ते रहते हैं, और सुख वो नहीं है जो घटे और बढ़े, सुख वो है जब एक बार आ जाए तो जिंदगी में से कभी जाए ना, सुख बढ़ता ही जाए, आनंद बढ़ता ही जाए, प्रेम बढ़ता ही जाए, वही सच्चा सुख। मेरे भाई मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको सच्चा सुख मिले और सच्चे सुख की अनुभूति हो। और सच्चे सुख की अनुभूति क्या है, जीवन में अगर एक बार सुख आ जाए तो वो जाए ना, जिंदगी भर तेरे हृदय में ठहर जाए, वही सच्चा सुख है। तेरे हृदय में जो ठहर जाए, निकले ना वहां से, वो सच्चा सुख है। और वो सच्चा सुख है जो दीवाने 2:30 बजे ही आकर बैठ जाते हैं कि हमें जगह चाहिए, क्यों, कई कथा हमसे छूट न जाए, क्या ना हो जाए, कथा हमसे छूट न जाए, क्योंकि कथा हमारा जीवन है, क्योंकि कथा हमें जीवन में आनंद देती है, क्योंकि कथा हमें जीवन में सुख देती है। तब कथामृतम तृप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल है, श्रवण मात्र से सुख है। सुश्रव तत्क्षणात्, जैसे ही सुनोगे तत्क्षण उसका लाभ तुमको मिलेगा। भागवत फल देती है, तुरंत देती है, तत्क्षण देती है, लेकिन उन्हीं को देती है जो इस फल को लेना चाहते, जानते जो लेना, फल लेना जो जानते, उनको आनंद मिलता है, फल मिलता है।
पुत्र सुख नहीं दे सकता, मकान सुख नहीं दे सकता, गाड़ियां सुख नहीं दे सकती, बिजनेस सुख नहीं दे सकता। ये सुख देते तो टेंशन भी देते, सुख नहीं देते टेंशन ज्यादा देते। क्यों साहब बताइए, मुंबई वालों के लिए एक बात बहुत मशहूर है, यहां रातों रात व्यक्ति धनवान होता है और दूसरी रात कंगाल भी हो जाता है। ये मैंने बाहर सुनी है, मुंबई से बाहर, ये बात सही है गलत है तुम्हारी तुम जानो, और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि मैं जाऊं इस बात को समझूं। कभी तोड़े साल दुसाला, कभी तोड़े साल दुसाला, कभी लपटी पहरे चीरा दी, कभी लपटी पहरे चीरा दी। बहुत बड़ा स्टार या बहुत बड़ा अरबपति खरबपति आदमी, अचानक से उसकी संपत्ति चली जाए और उस पे तन ढकने के लिए एक भी कपड़ा ढंग का ना हो, वो जी सकेगा या सुसाइड करेगा? बोलो क्या करेगा वो? उस स्थिति में उसे जीने से बेटर लगेगा कि चलो मर जाओ, राइट। लेकिन फकीर क्या है, तुमने दिए तो दुसाले भी ओढ़ लिए और जब नहीं हुआ तो बिना लंगोटी के भी गुजारा कर लिया। यही है आलम फकीरों का और यही है उनकी मस्ती का कारण भी। वो चाहत नहीं रखते, कम मिले तो उसमें गुजारा कर लेते हैं और बहुत मिले तो उसका इंतजार नहीं करते। ये फकीरों का आलम है मेरे भाई बहन, ये फकीरों का आलम है। इसलिए अगर मस्त रहना चाहते हो, भक्ति में जीना चाहते हो, तो सबसे पहले बहुत कामनाएं करना बंद कर दो। न तुम्हें पुत्र सुख देगा, न तुम्हें धन सुख देगा। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो मेरे गोविंद का नाम तुम्हें सुख देगा, मेरे कन्हैया की भक्ति तुम्हें सच्चा सुख देगी। गोकर्ण धुंधकारी के जो पिता थे ना आत्मदेव, शुरू में उनके कोई पुत्र नहीं था। जिस वृक्ष को लगाया ना वो हरा नहीं हुआ, जिस गाय को लेके आए उसने दूध देना बंद कर दिया, अब गाय जन्म भी नहीं देती दूसरी संतान को। एक दिन उन्होंने सोचा चलो मर जाता हूं बिना पुत्रस्य गतिर्लोके, जब गति नहीं है तो मर जाओ। तो मरने के लिए जब जा रहे थे ना तो एक बाबा जी आ गए, संत महात्मा जी आ गए आगे से, तिष्ठ दे रहे, क्या बात है, क्या चिंता है? कथम रोध संविप्र तुम काते चिंता वलेसी, तुम्हारी चिंता का कारण? बोले महाराज घर में पुत्र नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूं, जब पुत्र ना हो तो मरना ही ठीक है। संत जी ने पूछा पुत्र होगा तो क्या करेगा वो? बोले मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या बनेगा, जवाब दो जवाब दो। बुढ़ापे का सहारा, और कई बच्चे तो ऐसा होते बुढ़ापे में सहारा छीन लेते। अगर इस भारत की हर औलाद अपने बूढ़े मां बाप का सहारा बन जाए तो बूढ़े मां बापों को कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने की जरूरत नहीं है, फिर तो घर बैठकर ही वो भगवान का भजन करेंगे। सहारा नहीं बनते, सहारा छीन लेते हैं। और गलती बच्चों की नहीं है, गलती मां बाप की है। बचपन में बच्चों को इतना फ्रीडम दे दिया गया, इतना फ्रीडम दे दिया गया, वो जो कहे हां जी हां, हां जी हां, हां जी हां। और जवानी में जब वो हरकतें करते हैं तो हम कहते हैं रुक जाओ ये मत करो, लेकिन तब वो तुम्हारी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुमने बचपन में नहीं रोका। जब उसकी सीखने का समय था तब तुमने सिखाया नहीं, और जब वो सीखना चाहता नहीं तब तुम सिखाने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर बैठे हुए हर मां बाप से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो, चाहेंगे सुनना? बच्चे को उसी उम्र में सिखाओ जब वो सीखना चाहता है। जिस दिन वो पहली गलती करे उस दिन उसका कान पकड़ के उसे समझाओ, दिस इज योर फॉल्ट, आर यू रॉन्ग, तुम गलत हो। और अगर तुमने प्यार की वजह से पहली गलती ठुकरा दी, इग्नोर कर दी, तो मैं तुमसे दावा करता हूं मेरे भाई बहन, फिर तुम जवानी में उसे सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन के प्रेम में बंध गए। अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन से अंधा विश्वास और प्रेम मोह न करता तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध ना होता। कल बताऊंगा, आज के लिए आपके लिए
आप धृतराष्ट्र मत बनिए, आप गांधारी मत बनिए। अगर देख रहे हो तो अनदेखा मत करो, उसे देखो और उसे देखकर समझाओ उस बच्चे को कि तुम जो गलती कर रहे हो ये नहीं करनी है तुम्हें, और अभी तो तुम्हारे थप्पड़ भी खा लेगा, अभी तुम समझाओगे तो समझ भी लेगा, लेकिन कल उस दिन के बारे में सोचो जब तुम समझाना तो चाहोगे लेकिन ये सुनना नहीं चाहेगा। आजकल तो एक ही होता है, कितना होते एक, हम दो हमारे एक, आगे से हम भी एक हमारा कोई नहीं होगा। जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है वो होना भी दूर नहीं है। अभी तो पहले तो हमारी सरकार कहती थी हम दो हमारे दो, और आजकल के इंटेलिजेंट लोगों ने डिसाइड किया हम दो हमारा एक, और आगे तो भैया और भी पढ़े लिखेंगे ग्रेजुएटेड होंगे लोग, फिर वो कहेंगे हम एक हमारा कोई नहीं, फिर क्या होगा। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, अगर एक है ना तो एक को तो सुधार ले, और अगर दो है तो दो को सुधार ले, या फिर एक काम कर एक को सुधार ले एक को बिगाड़ ले, 50-50 तो जा, देश को कुछ तो अच्छा दे जा, कुछ तो अच्छा कर। मैं आप सबसे जितने भी मां बाप यहां बैठे हैं हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना मैं आप सबसे करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुढ़ापे में सहारा बने तो पहले तुम उसके बचपन के सहारे बन जाओ। जो मां बाप अपने बच्चों के बचपन के सहारे बन जाते हैं वो बच्चे अपने मां बाप के बुढ़ापे के सहारे बन जाते हैं, ये मेरा विश्वास है और मेरा दावा भी है। जोर से बोलो जरा, धीरे क्यों बोलते हो, अरे पीछे तक बोलो ना भैया। तो आप सब अपने बच्चों को समय दें, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बचपन में ही कम से कम, मैंने तो कई बच्चों को देखा, सॉरी भाई माफ करना मुझे, जो माँ बाप मॉडर्न माँ बाप हैं वो छोटे से बच्चे हो ना 5-6 साल का 7 साल का, तो कई बड़े लाड़ प्यार के बिगड़े माँ बाप कहते हम तेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के हम देंगे। हंसो प्लीज। और फिर हंसने के बाद मुझे बताना क्या अच्छी थिंकिंग है। जिस 5 साल के बच्चे को 7 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि गर्लफ्रेंड कहते किसको हैं, वो बिगड़े हुए माँ बाप अपने बच्चों में ये थिंकिंग भरते हैं। 11 साल का होके बच्चे को तो फिर गर्लफ्रेंड चाहिएगी कि नहीं, और उसका कसूरवार कौन होगा। अरे हम नहीं करेंगे बच्चे, तू नहीं जानता, ये हमारे स्टेटस की नहीं है, सिखाया किसने था, कर अभी तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा, अभी कर। गर्लफ्रेंड का मतलब समझाया किसने था मुझे, अब कर। गुनहगार हम हैं, इसलिए आप सबसे एक प्रार्थना मैं जरूर करना चाहूंगा, मॉडर्न बनना, लेकिन इतने मॉडर्न मत बनना कि बुढ़ापा कमजोर हो जाए, कभी मत बनना। इसके लिए हमें हमारे बच्चों के बचपन का सहारा बनना पड़ेगा, और जब हम हमारे बच्चों के बचपन के सहारा बन जाएंगे तो आई प्रॉमिस यू वो बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे अवश्य 100%। आत्मदेव कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए, संत ने कहा पुत्र तो देखो बेटा सहारा नहीं बनेगा, और अगर तुम्हें पुत्र का सहारा लेना है तो एक सहारा ऐसा ढूंढो जिस सहारे को पाने के बाद तुम्हें और किसी सहारे की जरूरत न हो, और वो सहारा किसी मानव में मत ढूंढो। अगर वो सहारा तुमको चाहिए तो परमात्मा में ढूंढो और गोविंद से मांगो मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बस तू मेरा सहारा बन जाए, इतनी कृपा कर दो। और जब ऐसा होता है जिसका सहारा भगवान हो उसे दूसरे सहारे की जरूरत है क्या। लेकिन ये इंसान ना बड़ा विचित्र है, अच्छे समय पे अच्छी बातें समझाओ ये समझते नहीं है, जो चाहिए वही चाहिए, पुत्र चाहिए, संत जी ने फल दिया ये फल ले, अपनी पत्नी को खिला देना उसे पुत्र होगा, फल लिया फल लेकर अपनी पत्नी धुंधली को दिया, कथा आप सब जानते हैं, उन्होंने उस गाय को खिला दिया वो फल, उनकी बहन के जो पुत्र हुआ उस पुत्र को बोले आई,
उसका नाम उन्होंने धुंधकारी रख दिया। भागवतकार कहते हैं गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण पंडित विद्वान समझदार हैं, धुंधकारी माखल, वो माखल है। न मां की बात माने, न पिता की बात माने, न धर्म की बात माने, न कुछ माने। और गौकर्ण धर्म की बात, पूरे धर्मनिष्ठ है। अब वो धीरे धीरे जब बड़े हुए ना, हमारे ब्रज में क्या यहां भी कहावत है, पूत के पाम पालना में दिख जाए। आपका बच्चा बड़े होके क्या गुल खिलाएगा, इसका नमूना आपको बचपन में दिखने को मिलेगा। धुंधकारी अपने साथ के बच्चों से लड़ता है, न मारने पर उसको पीटता है। एक दिन तो हद कर दी, अपने साथ के बच्चे को अपने साथ खिलाने ले गया, उस बात पे कोई लड़ाई हुई तो उसका कंठ दबाया और गोविंदाय नमो नमः, उसको गला दबा के समाप्त कर दिया। आके शिकायत करे घर वाले, और जब शिकायत करे तो वो रोवे। अब आत्मदेव रो रहे हैं, पहले रो रहे थे मेरे पुत्र नहीं है, अब रो रहे हैं कि मेरे घर में ऐसा पुत्र क्यों है, इससे तो बढ़िया मेरे घर में कोई पुत्र ही नहीं होता। इसीलिए कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जिन नाम आधार। हम अपनी बात बताएं, उस समय भी दुखी थे। कब? जब हम बहुत छोटे थे। फिर हम तब भी दुखी हुए जब हम थोड़े से बड़े हुए, और हम आज भी दुखी हैं। हम इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम आपकी सेवा करें, जल्दी से जल्दी वो आश्रम बने जिससे हम अपने सपने को मूलतः सेवा का रूप दे सके। आज भी हम परेशान हैं, तो जब तक जिंदगी रहेगी परेशानी रहेगी। सुख कहाँ है? जब जब मैं यहां कथा करने बैठता हूं तो मेरे सुख की कोई सीमा नहीं होती। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी जिंदगी के सबसे अच्छा समय क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि जब जब मैं ठाकुर की कथा कहने व्यासपीठ पर बैठता हूं, वो मेरी जिंदगी का बहुत बहुत अच्छा समय होता है, और वो डायमंड से भी ऊपर होता है। डायमंड भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैं यहां से हटता हूं व्यासपीठ से, फिर संसार आक्रमण करता है। तो मेरा अभिप्राय समझिए, भगवान के नाम में ही सदगति, इसके नाम के सारे होने पर ही कल्याण है। आत्मदेव रो रहे हैं, उसी समय गौकर्ण जी महाराज पधारे। पूछा क्यों रो रहे हो? बोले बेटा इसलिए रोता हूं, जब रोता था जब इसकी कोई औलाद नहीं थी मेरे, अब रो रहा हूं कि ये क्यों है, तेरे भाई ने ऐसा किया। तो गौकर्ण जी महाराज ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, वृथा खेद। तो आप जो खेद कर रहे हैं वो वृथा है, व्यर्थ है। आप धुंधकारी को अपना बेटा मानते हो, यही गलती है। इस संसार में न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी की मां है, न कोई किसी की बहन है। और सच यही है, दुनिया में मतलब के रिश्ते हैं। यस नो आई नो 100% यस। जब तक हमें जिससे मतलब होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अजी आप बड़े अच्छे हो जी, अजी ये थोड़ा जवाब नी। और जैसे ही मतलब निकल गया तो गुड बाय, हु आर यू, नॉट हाउ आर यू, हु आर यू, कौन हो तुम, क्यों? मतलबी दुनिया है, बहुत मतलबी है। और इस मतलबी के चक्कर में पड़ गए तो तुम भी मतलबी बन जाओगे। इसलिए मतलबी के चक्कर में मत पड़ो, अगर पढ़ना ही है तो उसके चक्कर में पड़ो जो सबका मतलब सिद्ध करता है, वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण, वो मेरे युगल सरकार, जो तुम्हारी भी इच्छा पूरी करता है, मेरी भी इच्छा पूरी करता है, वो हम सबकी इच्छा पूरी करता है। क्यों? क्योंकि वो दीन बंधु है, वो कृपा सिंधु है, वो भक्त वत्सल है। उसका कार्य है हम सबकी भावनाओं को पूर्ण करना। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया बनाने वाले के चक्कर में पड़ो। क्यों कहते हो ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा ये? अगर कहना ही है तो सिर्फ ये कहो कि गोविंद मेरा है और मैं गोविंद का हूं। देखो उस दिन से जिंदगी में सुखी सुख होंगे, दुख आएगा ही नहीं। अगर भक्ति करनी है तो निष्काम भक्ति करो। गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझाया, पिता की समझ में आ गया, पिता ने घर छोड़ दिया।
और जब घर छोड़ दिया तो सुखी हो गए, भगवान का दर्शन हुआ, भक्ति प्राप्त हो गई, मोक्ष हो गया। मैं आपसे एक बात, जो आस्था चैनल पे सुन रहे हैं वो भी और जो यहाँ सुन रहे हैं वो भी, कई लोग कई बार नए भक्त होते हैं, टीवी पे सुनते हैं या यहाँ आते हैं, नए कई होते हैं कई नए भक्त। तो मैं आप सबसे एक बात हमेशा हर कथा में कहता हूँ कि आप मुझे बहुत बड़ा गुरु आचार्य कथावाचक मत समझना, प्लीज मैं हूँ भी नहीं। हाँ, अगर मैं 7 दिनों में एक भी बात अच्छी कहूँ तो मुझे अपना बेटा समझकर, अपने घर का सबसे छोटा सदस्य समझकर मेरी बात जरूर मान लेना। और अगर आपने मान ली तो मैं दावे से कहता हूँ कि फिर तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू आर सक्सेस, तुम भगवान के चरणों में पहुंच जाओगे, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। बकुच मत समझो मुझे, सिर्फ अपने घर में जो तुम्हारे घर में सबसे छोटा सदस्य है उससे भी छोटा मुझे समझो और मेरी बात मान लो। और इन 7 दिनों में एकाध बात तो अच्छी कही दूंगा, नहीं कहूंगा नहीं, 7 बातें तो पक्का अच्छी कहूंगा। तो आप ये बातें मान लेंगे, मेरा अनुभव है कि आपका कल्याण हो जाएगा। और फिर यही है कि मानो ना मानो, खुशी आपकी, मर्जी तो आप ही की चलेगी। तो आत्मदेव ने बात मानी, गौकर्ण की कल्याण हो गया। धुंधकारी और कुमार्ग पर चले गए, मदिरा पान करने लगे, वैश्या गवन करने लगे, उनका सारा धन समाप्त हो गया। और जब सारा धन समाप्त हो गया तो एक दिन अपनी माँ के पास गए, माँ मुझे धन दे दो। माँ को गुस्सा आया, माँ ने कहा तूने अपने बट का सारा धन खर्च कर दिया, अब तुझे नहीं मिलेगा, गौकर्ण के बट का धन है ये। माँ को पीटा। जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, जो अपने माँ बाप को गाली गलौज करते हैं, जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, उनको सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें खुद के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उनका सम्मान ऐसे ही करेगी जैसे वो खुद कर रहे हैं अपने माँ बाप का। यू डोंट रिस्पेक्ट योर मदर फादर। तो उसके बाद ये भी मत सोचना कि आपके पुत्र, आपकी औलाद आपका सम्मान करेगी, रिस्पेक्ट करेगा, नहीं करेगा। हमारे का है ना, बोए बीज बमूर के, हैं? आगे बोलो ना, बोए बीज बमूर के आम कहां से आए, बमूर बोओगे तो आम नहीं, कांटे बोओगे तो फल नहीं लगेगा। वैसे इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, अगर आप कहें तो मैं चर्चा करूं। एक होते हैं कटहर के समान, एक होते हैं फूल के समान, गुलाब के समान, और एक होते हैं आम के समान। फिर ध्यान से सुने, एक होते हैं कटहर के समान, एक होते हैं गुलाब के समान, और एक होते हैं आम के समान। पहले चर्चा गुलाब की करते हैं, है? फूल है, फूल, फ्लावर चर्चा करो। जो गुलाब के समान होते हैं वो सिर्फ कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है। आजकल दुनिया में गुलाब के फूल ज्यादा ही मिल गए, सस्ते हो गए, बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं। और संयोग से ऐसे गुलाब मुझे बहुत मिले पिछले 3 सालों में। दुनिया ने समझा बहुत हो गया, लेकिन उनको क्या पता कि मेरा पाला गुलाबों से पड़ा है। गुलाब के फूल मतलब क्या है, बोले बोले सिर्फ कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरे हैं कटहर के समान, गुलाब में सिर्फ फूल है, फल नहीं है, वो सिर्फ कहता है करता नहीं है। कटहर कहता नहीं है, करता है, क्योंकि वहां फूल है ही नहीं, वहां सिर्फ फल ही फल है। कटहर जो है वो कहता नहीं है, करता है, क्योंकि वहां फल है सिर्फ। और तीसरा जो व्यक्तित्व है वो है आम के वृक्ष की तरह, वो कहता भी है और करता भी है, वहां फूल भी है और फल भी है। तो मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, पहली कोशिश कटहर बनना, सिर्फ कहो मत, कर दो। दूसरा अगर ना बन सको तो वृक्ष बनना आम का, जो सबको छांव दे सके, कहे तो कर भी दे।
लेकिन गुलाब कभी मत बनना, क्योंकि अगर ऊपर फूल है तो नीचे कांटे भी है, और अगर कांटे चुभते हैं तो दर्द होता है, और उसका कांटा चुभे तो खून भी निकलता है, रक्त भी निकलता है। तो प्लीज यहाँ रक्तदान होगा उसमें दे दीजिए, गुलाब के कांटे से लगवा के मत निकलवाइएगा प्लीज। तो मैं आप सबको प्रेरणा, शायद मैं बोल दूं, मेरे को 27 या 28 को, पूरा मेरे को डिटेल नहीं मालूम है, रक्तदान शिविर होगा। तो जिनको भी रक्तदान करना है, मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कथा कहनी है तो मैं भी कोशिश करूंगा, अगर मैं भी ये सेवा में भाग ले सकूं तो आप भी आइए। और नेत्रदान, जो नेत्र चिकित्सा होगी उसमें भी हमारी समिति की तरफ से कार्य हो रहा है। तो जिन लोगों को लगता है, आपको लगता है कि गरीब लोग हैं वो अपने नेत्रों का इलाज नहीं करा सकते, तो उनको आप लोग यहाँ लेकर आएंगे और उनका उपचार करवाएंगे। सेवा होनी चाहिए, जनमानस की सेवा होनी चाहिए, तो हमारे ट्रस्ट और समिति के द्वारा ये सेवा रखी जाएगी, और हम चाहेंगे कि बढ़ चढ़ कर ये कार्य करें। बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़े, राधे राधे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तीन तरह के लोगों में से एक बनिए, आप कटहर के या आम के। गुलाब हमको नहीं बनना है, गुलाब तो ठीक है, दूरी रखो। उस धुंधकारी ने अपनी मां को पीटा सिर्फ बुरी स्त्रियों के लिए। मां ने रात्रि में कुएं में कूद कर प्राणांत कर लिया अपना, गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ करने चले गए। वो धुंधकारी ने देखा वो कोई घर में नहीं, तो वो चार पांच बुरी स्त्रियों को अपने घर में ले आया और वहीं रखा, उन्हीं के साथ रहने लगा। और जब उन स्त्रियों ने देखा इसका धन समाप्त हो गया, तो उन्होंने उस सबको पार्टी से बांधा सोते हुए धुंधकारी को, और लकड़ियों से, जलती हुई लकड़ी हाथ में ली और जोर जोर से उसे पीटने लगी। वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, एक ने जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाल दी, जिसका उसका प्राणांत हो गया। बोलो राधे राधे। मरने के बाद में प्रेत बना, और जब प्रेत बना तो गोकर्ण जी महाराज अपने तीर्थ से वापस जब आए तो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय कभी कोई रूप बनाकर, कभी कोई रूप बनाकर वो डराने लगा। तो समझ गए, बताया, हम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नाम तह, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मरने के बाद प्रेत बन गया। तो प्रेत के कल्याणार्थ सूर्य नारायण ने कहा, सुख शास्त्र कथो ज्वलम, भागवत कथा उनको सुना दो, उनका कल्याण होगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया, और सातवें दिन उस धुंधकारी का कल्याण हो गया। आकाश से विमान आया, उस विमान में सवार होकर जब धुंधकारी जाने लगा तो विष्णु पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, कथा तो सबने सुनी है, विमान अकेले इसके लिए क्यों आया है? तब विष्णु पार्षद बोले, महाराज कथा तो सबने सुनी है, ये ठीक है, लेकिन सबका ध्येय अलग अलग है। किसी ने किसी इच्छा को लेकर सुना, किसी ने किसी इच्छा को लेकर सुना। जिस व्यक्ति ने जिस इच्छा को लेकर सुना उसकी वही इच्छा पूरी होगी महाराज। और धुंधकारी ने कथा सुनी मोक्ष की इच्छा लेकर, तो दोबारा कथा हुआ, विशाल विमान आया, सारे लोगों का कल्याण हुआ, उनका बेड़ा पार हुआ। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं, आपका भी कल्याण होगा, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, जो चाहिए आप वो ले लीजिए, वो मांगिए, भागवत देगी, भागवत कल्प वृक्ष है। जो चाहिए सो मिलेगा, लेकिन कथा को नियम के साथ सुना जाए। नियम याद है कि पुनरावृत्ति कर दूं? हैं? याद है, पुनरावृत्ति करूं? कर देता हूं, 3 साल से लगातार सुना रहा हूं, याद नहीं हुआ अभी तक। बोले महाराज आप जब जाते हो तो हम आपको भूल जाते, नियमों की बात क्या करें, आप जाओ तो सही, 1 तारीख को जब यहां से निकलोगे फिर भूल जाएंगे, अगली बार जब प्रचार होगा हाँ आ रहे हैं तो फिर याद कर लेंगे, है ना? ठीक है ना भाई, और भूल भी जाना चाहिए, गुण को याद रखो, गुणी को भूल जाओ, समझे? गुण को याद रखो,
गुणी को भूल जाओ। अगर गुणी के चक्कर में रह जाओगे तो गुणी भूल जाओगे। इसलिए गुणी को याद मत रखो, चाहे गुण को याद रखो। पाप से नफरत करो, पापी से मत करो। अगर तुमने पापी से नफरत की तो तुम्हें नफरत करने की आदत पड़ जाएगी। आज से, कल उससे, परसों से करोगे। इसलिए अगर पाप से नफरत करोगे तो तुम्हें इंसान से कभी नफरत नहीं होगी। हाँ, उस पाप से नफरत करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, और जब उस पाप से तुम्हें नफरत हो जाएगी तो जिंदगी में वो पाप की पुनरावृत्ति तेरे जीवन में नहीं होगी। बोलो राधे राधे। गुणी से प्यार हो ना हो, लेकिन गुण से प्यार करो, पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भागवत कल्प वृक्ष है, जैसा मैंने कहा, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन वो नियमों के साथ आप श्रवण करेंगे तो मिलेगा। मैं आपको नियम बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी। पहला नियम, कथा प्रारंभ हो उससे पहले आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। सबसे पहला नियम, व्यासपीठ पर कथा कहने वाले आएं, उससे पहले हमें अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। मंगलाचरण से लेकर मंगल आरती तक, जो अंतिम आरती होती है वो मंगल आरती है, जो सबका मंगल करती है, जो दर्शन मात्र से सबका मंगल कराती है, हमें इतना समय लेके आना होगा। मंगलाचरण से लेकर मंगल आरती तक हम कथा में समय देंगे, पहला। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तीसरा, पृथ्वी पर तो आप सो सकते हैं, मुंबई में गर्मी है। कल जब मैं दिल्ली में था बाबा, मेरा तो बहुत मुश्किल हो गया। तीन था, संयोग से सबसे ठंडा दिन ही कल का था जब मैं कल दिल्ली में था। चलो अच्छा है, तो आप सबसे प्रार्थना, हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें, और अगर पृथ्वी पर शयन करने को न बने तो जहां आप शयन करते हो वहां डेली यूज जो आप चादर करते हो वो न बिछा कर कोई गर्म, जैसे कंबल इत्यादि जो भी होते हैं, चटाई होती है, वो बिछा लें। जो शुद्ध और पवित्र जो मानी जाती है हमारे सनातन धर्म में, वो आप बिछावें उन नियमों के साथ। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, आपको धर्म की निंदा सुननी नहीं है, धर्म की निंदा करनी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना जो किसी को दुख दे। सात दिन वैसे तो जिंदगी भर करना चाहिए, जिंदगी भर का भी मैं कोई आपको वजन नहीं डालूंगा, कम से कम सात दिन तो आपको यह नियम पालन करना होगा। सात दिन जब तक कथा होती रहे, जब तक आप कथा सुनते रहे, आपके मुख से कड़वा शब्द नहीं निकलना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत् स पंडितः। तुम जब किसी को बुरा बोलते हो ना भाई, तो बुरा बोलने से पहले यह सोच लो कि तुमसे अगर कोई यह बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब कहूं बाहर। मैं किसी को गाली दूं तो वो ब्रह्मवेद के शब्द हो गए हैं, और कोई मुझे गाली दे तो वो गाली है, और तू किसी को गाली दे तो वेद वाक्य है, वो श्लोक है ना। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा जैसी सबकी आत्मा समझो। तुम अगर किसी को कड़वा बोल रहे हो तो तुम्हें भी कोई कड़वा बोलेगा बुरा लगेगा, और तुम्हें बुरा लगेगा तो सबको बुरा लगेगा। ये कॉमन बात है भाई, ये मुझे स्पेशली नहीं समझानी आपको, आप सब जानते हैं इस बात को। और आप जानते हैं तो फिर न मानने वाली तो कोई बात नहीं बनी। कम से कम सात दिन कड़वा नहीं बोलेंगे। मेरे साथ दो मिनट सभी बोलेंगे, दो मिनट क्या, एक ही मिनट। आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें, सभी लोग बोले, हाथ जोड़ लेंगे सभी, और गोविंद से कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करें। हे मधुसूदन श्री कृष्ण, आप सभी बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, आप हमारे ऊपर कुछ ऐसी कृपा करें,
अगर हम अपने जीवन में किसी का भला न कर सके तो कम से कम हम किसी का बुरा भी न करें। हे सर्वगुण संपन्न, हे घट घट की जानने वाले, हम सबके हृदय में निवास करने वाले, हम आपके दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आपसे, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को आप ऐसा बना दें जिससे हम किसी का बुरा न कर सके। मुझे नेक बंदा बना मेरे मालिक, 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 मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मालिक, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मालिक, मुझे नेक बंदा बना मेरे मालिक, मुझे नेक बंदा बना मेरे मालिक। समझ में गया हूँ मैं हूँ बहुत बुरा, समझ में गया हूँ बहुत बुरा, समझ में गया हूँ हूँ मैं सद्गुणों पे चला मेरे मालिक, मुझे सद्गुणों पे चला मेरे मालिक, मुझे नेक बंदा बना मेरे मालिक, मुझे नेक बंदा बना मेरे मालिक। बुरी से हटा मेरे मालिक, बुराई से मुझसे हटा मेरे मालिक, मुझे नेक इंसान बना मेरे मालिक, मुझे नेक इंसान बना मेरे मालिक। हटा मेरे मालिक, बुराई को मेरी हटा मेरे मालिक, मुझे नेक इंसान बना मेरे मालिक। दिन रात भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी सारी बुराइयों को हमसे दूर कर दो, हमें अपने चरणों में लगा लो,
हम आप ही के हैं और आप हमारे हैं, सरकार आपके बिना हमारा कल्याण नहीं है, ये हम जान गए हैं। आप ही हैं सर्वंतर्यामी, आप ही हैं कल्याण करने वाले, आप ही हैं सबका बेड़ा पार करने वाले सरकार, इसीलिए हम आपकी शरण में आ गए हैं। और हम जानते हैं हम चाहकर भी अच्छे बन नहीं सकते, हाँ आप चाहें तो हम अच्छे बन सकते हैं। ऐसी प्रार्थना नित्य अपने परमात्मा से करनी चाहिए। तो सभी बोलेंगे राधे 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 राधे। ये तो आप धीरे बोल रहे हो, राधे राधे। आज जोर से बोलता राधे राधे। तो आप सबसे एक प्रार्थना, इन नियमों के साथ क्या नहीं करेंगे, बुरा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कितने दिन, जोर से बोलिए, 7 ही दिन की कैपेसिटी बस। कोशिश करिए जीवन भर बुरा ना करे, किसी का बुरा ना बोले किसी से, और जीवन पर्यंत सबका भला करे, सबके साथ भला अच्छा व्यवहार हो। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा ठाकुर इस कथा का फल आपको अधिक देगा। मैं यही चाहूंगा कि इस बार जब पारस मणि आपका कल्याण करने जाए, भागवत आपका कल्याण करे, कृष्ण आपको दर्शन दे, तो बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह का पर्दा प्लीज हटा दीजिए आप। ये सारे पर्दे जब हट जाएंगे तब ये पारसमणि आपका कल्याण करेगी, तब ये पारसमणि आपका बेड़ा पार कर देगी, तब ये भागवत का पूरा असर होगा आप पर। जब तुम किसी की बुराइयां सुनना बुरा पसंद नहीं करोगे, जब तुम्हारे मुंह से किसी की बुराई नहीं निकलेगी, जब तुम्हारे जुबान से हमेशा भगवान के नाम निकलेंगे, जब तुम जहां से गुजर जाओगे वो राहें भी पीछे पीछे राधे राधे पुकारेंगी, राधे राधे पुकारेंगे। जानते हो मैं जहां से जहां होके जाता हूं, जब कथा हो जाती है और फिर जहां से निकलता हूं, तो मैं तो नहीं कहता तुमको बोलना पड़ेगा, मुझे देखते ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है यही सबसे बड़ा धन है। इसलिए जिन राहों से तुम निकल जाओ वहां से राधे राधे शब्द का उद्घोष जोर जोर से होने लग जाए, तो समझना कि तुम्हारे ऊपर ठाकुर की पूरी कृपा है। आप सबसे एक और प्रार्थना कर दूं, जो मुंबई में अभी तक टीवी ऑन करके बैठे हैं, अरे कुछ तो सोचो, हम यहां बैठे तुम वहां बैठे हो, पूरा फूल है, हो गया। देखो मैंने कहा था ना 5% और फूल हो जाएगा, हो गया। पीछे मुड़ रहा नहीं, मैं हाँ देखो पीछे भी भाई लोग खड़े हैं बाहर, तो फिर देख रहे। मैं आप सबसे फिर भी एक प्रार्थना करूंगा, ये ग्राउंड बड़ा है, आप आते जाओ, हम ये सेवा करते जाएंगे, लेकिन आप खुद भी आएंगे और आपके बच्चे भी आएंगे, आप अपने बच्चों को भी ये कथा सुनाएंगे, पक्का ये आपको वादा करना है मुझसे। और 1 तारीख को जैसे हमने जबलपुर में बच्चों के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम रखा था, मैं चाहूंगा कि 1 तारीख को 1 घंटे का प्रोग्राम यहां भी मैं नौजवान बच्चों के लिए रखूं। सारा कुछ वही नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सेम से कुछ चेंज होगा, और आपके मुंबई वालों के लिए तो ऑब्वियसली कुछ चेंज होगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना, अगर आप उनको अभी से कथा सुना देंगे तो उनको वो दिन समझने में आसानी होगी। तो सभी जो लोग यहां आए हैं उन सबसे एक ही प्रार्थना है, खुद भी आमें, अपने बच्चों को जरूर लामें। हम न बदले तो क्या हुआ, हो सकता है हमारे बच्चे बदल जाएं। ये भागवत 15 पीढ़ी तारती है सुनने भर से, 7 पीढ़ी हमसे पहले की, 7 पीढ़ी हमारे बाद की, और 15 पीढ़ी। लेकिन उन्हीं की तरती है जो दृढ़श्रद्धा से, नियम से, विश्वास से सुनते हैं। आप सबसे प्रार्थना यही है, पूरे नियम पूरे विश्वास के साथ आप 7 दिन भागवत सुनते चले जाइए। मेरा विश्वास है आपको वो मिलेगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं है, अवश्य 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 मिलेगा, और कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा, राधे राधे बोलना होगा। आप लोग और मैं भी और दुनिया में सभी लोग दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं, उसी दौलत के पीछे एक महात्मा जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया एक व्यक्ति को, तो सावधानी से सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे आनंद लेंगे। विश्व विषय के संदर्भ में जब विश्व विजय कर रहा था सिकंदर, तो विश्व विजय करते करते वो एक गांव में पहुंचा, और जब एक गांव में वो पहुंचा तो उस गांव के मुखिया ने उनकी बहुत आवभगत करी,
उस गांव के मुखिया ने उनकी आवभगत करी, उन्हें झोंपड़ी में बैठाला, चारपाई डाली और कहा बिराजिए, स्वागत सत्कार किया जैसा हमारे भारत की परंपरा है, अतिथि देवो भव, हम सबका स्वागत करते हैं, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, हमारे यहाँ किसी का अपमान नहीं होता, हम सबका सम्मान करते, ये हमारा सनातन धर्म है, यहाँ पर किसी का अपमान नहीं करना, अतिथि दुश्मन भी आ जाए तो दुश्मन का भी एकदम सत्कार प्रिय की तरह किया जाता है, ये हमारे भारत की परंपरा है। बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, भोजन का समय आया तो मुखिया जी ने कहा कि भाई थार लेकर आओ, भोजन का थार, सिकंदर साहब को भोजन कराओ। तो जब भोजन का थार आया तो वो ढका हुआ था, हमारे यहाँ थोड़ा भोजन ढक के लाते हैं, तो भोजन का थार ढका हुआ था, सिकंदर ने वो जब चादर हटाई, उस पे से वस्त्र हटाया उस थाल पे से, तो उस थाल में देखा उस सिकंदर ने सोना और चांदी भरा हुआ है। उसको अचरज हुआ, कह रहे थे भोजन कराओ और सोना चांदी ले आए, ऐसे देख रहा था अचरज बड़ी नजरों से। मुखिया ने कहा सरकार हमसे कोई गुस्ताखी हो गई, कोई अपराध हो गया क्या? सिकंदर ने कहा मैं अभी तक यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने गुस्ताखी की है या क्या कुछ आप समझाना चाहते हैं, मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने कहा था भोजन करो और भोजन में आपने सोना चांदी लाके रख दिया, अरे कोई भोजन में सोना चांदी थोड़ी खाएगा, भोजन के लिए तो अन्न चाहिए, फल चाहिए, भोजन की सामग्री चाहिए, इसे थोड़ी ना भूख बुझेगी। मुखिया ने कहा जनाब मैंने सुना है कि आप सोना लूटने के लिए आए भारत में, क्या करने आए आप? हमारे भारत में सोना लेने के लिए आए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भोजन में भी सोना दे देता हूं, क्या पता आपकी इस सोने को पाकर भूख समाप्त हो जाए और आपका सत्कार हो जाए, आपका सम्मान हो जाए। यह चर्चा चली रही थी, इतने में दो किसान आए, गांव के मुखिया थे ना, दो किसान आए। एक किसान बोला महाराज ये मुझसे पैसा नहीं ले रहा है। क्या मतलब? मैंने इसका खेत खरीदा था, उस खेत में एक कलश मिला है जिसमें हीरे मोती सोना चांदी भरा पड़ा है, और मैं कह रहा हूं कि वो कलश तू ले ले। दूसरा बोला कि मैंने खेत बेच दिया, मैंने खेत बेच दिया, तो अब मैंने जब खेत का पैसा ले लिया तो अब उसमें जो भी हो उस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा। दूसरा बोला नहीं, मैंने सिर्फ खेत के पैसे दिए थे, उसमें जो गहने मिले हैं उसके पैसे नहीं दिए, और मैं उसको रखूंगा नहीं क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं, उसकी मैंने कोई पैसा दी नहीं। दूसरा बोला बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अब सिकंदर अचरज में पड़ गया कि अब क्या जजमेंट करेगा मुखिया, और मुखिया जी समझ गए थे न तो वो लेने को तैयार है और न वो रखने को तैयार है। तो जिसने खेत बेच दिया था उससे मुखिया ने पूछा तेरे घर में कोई विवाह योग्य बेटी है? हां है। जिसने खेत खरीदा था उससे पूछा तेरे घर में कोई विवाह योग्य लड़का है? बोले हां है। बोले तो एक काम कर, तू अपनी बेटी का विवाह इसके लड़के के साथ में कर दे, और दहेज में ये जो कलश मिला है ना ये दे दे, न तेरा भी बुरा न तेरा, तेरे दोनों की सोच रह जाए। सिकंदर ताज्जुब में रह गया कि वाह क्या भारत के लोग हैं, यहां व्यर्थ की संपत्ति दूसरे की संपत्ति को परद्रव्येषु लोष्टवत्, ये वो भारत देश है जो पराई संपत्ति को मिट्टी समझा जाता है। परद्रव्येषु लोष्टवत्, ये हमारे भारत के वो लोग नहीं है जो चोरी करते छीना झपटी करते जबरदस्ती करते, ये भारत की परंपरा नहीं है मेरे भाई बहन। लूटना तो कोई और सिखाता है, हमारे यहां तो लूटना सिखाते हैं मेरे भाई। अरे लूटते हैं फिर भी अपने पांव पर खड़े हैं, क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं मेरे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लूट कर भी खड़े हो जाते हैं। आने वाले 10 सालों में देखना हम कहां होंगे और वो कहां होंगे, लूटने वाले पीछे रह जाएंगे और लूटने वाले सत्यमेव जयते भगवान हमारे साथ में है। तो मेरे भाई बहन इस दृष्टांत से एक ही बात समझ में आती है कि न कोई सोना खाता है न चांदी खाता है,
खाने का वक्त जब आता है तो सिर्फ भोजन की जरूरत पड़ती है। किसकी? जोर से बोलिए। लेकिन वो भोजन ना मिले, घर में अपार संपत्ति है और डॉक्टर कह दें तो मीठा मत खाना, डॉक्टर कह दे घी मत खाना, डॉक्टर कह दे कुछ भी तला मत खाना, फिर उससे बढ़िया है कि ठाकुर की बंदगी करते रहो तो डॉक्टर कभी तुम्हें किसी चीज की मना ही नहीं करेगा। गाए जा, गाए जा, गाए जा, गाए जा, गाए जा, प्रभु के गीत गाए जा। आइए हम और आप सभी इस सत्र का ये भजन गाते हैं और उसके बाद आरती का दर्शन हम और आप सभी करेंगे। लेकिन मुंबई में जो लोग अभी तक आस्था चैनल देखकर बैठे हैं, हम आ गए हैं, आप भी आ जाओ, हम और आप मिलकर यहाँ ठाकुर के गीत गाएंगे, ठाकुर के गीत सुनाएंगे और फिर यहां से प्रेम लेकर जाएंगे। करते तो आइए, मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा। अब भैया आस्था पे थोड़ा हमारे जनता जनार्दन को दर्शन करा देंगे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जनता जनार्दन यहां कम है, देखो फूले, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि मुंबई में जितने भी कथा प्रेमी हैं, विशेष तौर पर भागवत प्रेमी हैं, विशेष तौर पर ब्रज की कथा सुनने के प्रेमी हैं, आप सबसे एक ही प्रार्थना है, पंडाल में बैठकर कथा सुननी है, घर में बैठकर नहीं सुननी। तो आप सब यहां आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए और फिर हम भी सुनाएंगे प्यारे, आप भी सुनते जाओ, आप कई भी रंग को रंगेंगे और अपने भी रंग को रंगेंगे, ठाकुर के रंग में रंगेंगे है? तो सभी लोगों से प्रार्थना और आप सबसे विमान में जाना है, किस किस को जाना है विमान में, साथ में दिन आएगा विमान, बोलो चलना है, किस किस को चलना है विमान में, हाथ उठाओ। कुछ लोग पता नहीं 12 में करेंगे कि 13 में करेंगे, अगली कथा के लिए कह रहे हैं, अभी तो अगली कथा सुनेंगे महाराज फिर प्लान करेंगे। विमान आज भी आता है, यहां पर कई श्रोता ऐसे बैठे हैं जो बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं और मेरी नजरें उन पे हैं और जानते हो उनमें कहीं ना कहीं स्वयं या तो हनुमान जी बैठे हुए हैं या स्वयं भगवान उनके हृदय में आकर बैठ जाता है। और जिनके हृदय में भगवान आकर बैठ जाता है ना, मेरी जगह कोई भी व्यास हो ना, उसकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको देख देख कर प्रेरणा लेता रहता है, अर्थात वो इशारा करता है उसमें बैठा हुआ भगवान कि मुझे ये भी सुनना है, मुझे ये भी सुनना है, मुझे ये भी सुनना है, मुझे ये भी सुनना है। और कथा व्यास उसमें इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन, और सबको उसके चक्कर में आनंद मिलता रहता है, एक के चक्कर में सबको आनंद मिलता रहता है। आज भी भगवान हमारे बीच में बैठे हुए हैं और मैं देख रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है, इस ग्राउंड में आज से पहले आते तो ये चमक नहीं थी यहां, ये रौनक नहीं थी यहां, ये भक्ति नहीं थी यहां, ये भक्ति कहां से हो गई यहां? क्यों? क्योंकि हम भागवत कृष्ण के रूप में विराजमान है और आप जैसे श्रोताओं के हृदय में स्वयं हनुमान विराजमान है तो अपने आप भक्ति प्रकट हो गई यहां। कोई कहता है कि भगवान नहीं है, मैं कहता हूं है। तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है और वैसे भी तुम तो सिर्फ इधर ही देखते रहते व्यासपीठ की तरफ और मैं यहां से सबको देखता रहता हूं तो मुझे पता है ना कि यहां स्वयं ठाकुर बैठे हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं और कह रहे हैं तू सुनाए जा, हम सुनने को मौजूद हैं और स्वयं सिद्धि विनायक भी यहां मौजूद हैं क्योंकि मुंबई उन्हीं के हवाले में है। तो प्यारे जो इस कथा में इन्वॉल्व है वो खुश नसीब है, मैं भी और आप भी। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, I request you to attend all the 7 days. पूरे 7 दिन आप सुने नियम के साथ, to heal the past, live happily in the present, and hope the golden future. आपका और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनरम हो, गोल्डन हो,
अच्छा हो, मन लगे भक्ति में, इसीलिए आप लोग कथा सुनते रहें। सातों दिन सुनना है। कौन कौन आएगा सातों दिन कथा सुनने? सब नीचे करो, सबके सब तैयार बैठे। मैं तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, यहां बैठने की करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनों से बातें होती है। तो आप सबसे प्रार्थना है, पूरे मन से हम और आप कथा सुनेंगे और पूरा आनंद लेंगे। अभी ठाकुर जी से क्या प्रे करेंगे प्रार्थना? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, लोग खड़े होंगे जो नृत्य कर रहे हैं, बाकी के सब बैठ के ताली बजाएंगे, सब ताली बजाते रहेंगे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, यारे तू जाने तेरा काम जाने, ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा। रख लेना हाँ जी रख लेना, रख लेना हाँ जी रख लेना, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले हाँ जी तेरे हवाले, तेरे हवाले हाँ जी तेरे हवाले, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे प्यारे की जय हो, दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे। हमको है हाँ जी हमको है, हमको है हाँ जी हमको है, हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने।
तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, मिट गई 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 चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, ओ पर्दा करो ना पर्दा करो ना पर्दा करो ना बिहारी, पर्दा करो ना पर्दा करो ना पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, तुम्हारे पराए नहीं है, तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है, ठाकुर जी तुम्हारे अपने हैं कि पराए हैं, तुम्हारे अपने, तो फिर दिल से क्यों नहीं बोल रहे हो, हम हैं तुम्हारे पराए नहीं है, तुम्हारे पराए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, हम हैं आज हम हैं, हम हैं आज हम हैं, हम हैं तुम्हारे पुजारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हम हैं तुम्हारे पुजारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, श्री राधे सकोगे लख पर्दों में छुप ना सकोगे, कमरों में रुक ना सकोगे लख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे लख पर्दों में छुप ना सकोगे, कमरों में रुक ना सकोगे लख पर्दों में छुप ना सकोगे, जन्म जन्म की है यारे हमसे पर्दा करो ना मुरारे, जन्म जन्म की है यारे हमसे पर्दा करो ना मुरारे, ओ पर्दा करो ना हमसे पर्दा करो ना, पर्दा
बैठिए सब। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शांति दूत श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन कर ईश्वर से प्रार्थना करें। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नियर इठाला मोड़, नई दिल्ली 110085, फोन नंबर 011-2705-2002, 0921-221014, फैक्स नंबर 011-2705-2003, वेबसाइट www.vsscity.com, ईमेल info@vsscity.com।